किसी भी जगह पर हम वास्तु के लिए जाते हैं या तो आपका घर होता है, तो पहला जरूरी क्या होता है कि आपको वहां का नक्शा बनाना पड़ता है। ठीक है, यहाँ पर जब प्रोफेशनल जो भी वास्तु कंसल्टेंट है वो क्या करते हैं कि कोई उसका सिविल ड्राफ्ट्समैन होता है जो उसके क्लाइंट के घर जाके पूरा नक्शा बनाता है और वहां से उसका ट्रू नॉर्थ लेता है और उसके बाद वो सब ग्रेडिंग करके कंसल्टेंट को भेज देता है और उसके बाद कंसल्टेंट देखता है पूरा जो वास्तु हम जो सीख रहे हैं उसके बारे में, क्या सही है क्या गलत है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। पर जो वास्तु कंसल्टेंट के लिए पहला स्टेप है वो है नक्शा बनाना। तो अगर नक्शा ही नहीं सही तरीके से बना होगा तो कितना भी आप वास्तु सीखे हो, कितना भी आप वास्तु कर लो, पर वो सही बैठने वाला नहीं है। तो ये नक्शा कैसे बनता है वो खास आपको ध्यान रखना है। अगर आपसे नहीं हो सकता है तो कोई कंसल्टेंट्स को आप हायर करके और नक्शा आप बनवा सकते हो। ठीक है, तो मैंने एक ग्रुप में एक इमेज भेजा था जिसमें एक छोटा सा नक्शा बना हुआ है, आप सबने देखा? जी एक बार देखा देख लो, मैं व्हाट्सएप में अभी भेजा है। जी सर, देख लिया। तो वो जो नक्शा है ना वो हम ग्राफ पेपर पे बनाएंगे, तो किस तरीके से बनाना है वो मैं आज आपको बताऊंगा। ठीक है, तो पहले आपका वो ग्राफ पेपर है, ठीक है, उसमें आपको दिख रही होगी लाइन सारी, वो तो 5 ब्लॉक का एक ब्लॉक बनता है, उसमें आपको दिख रहा होगा। सर सबको म्यूट करिए ना, जो सर प्लीज म्यूट करो ना सबको। हाँ, करता हूँ। अभी ऐसा आपका ग्राफ पेपर है, आपको सबको दिख रहा है? हेलो, जी दिख रहा हाँ है जी सर। सर, तो दिख रहा है, दिख रहा है। नहीं इसमें ना आपके पास ऐसे एक ब्लॉक दिख है, रहा है। नहीं मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ, वो नहीं दिख रहा है? सर, बिल्कुल ब्लैंक है। तो ग्राफ पेपर तो ब्लैक ही रहेगा ना अभी तो। हाँ बिल्कुल व्हाइट है, कैसे वो क्या तो, है हाँ तो सर, ग्राफ पेपर ही है। तो ये पूरा व्हाइट कलर का दिख रहा है ना आपको? बस बस व्हाइट है सर, उसमें ग्राफिंग जो बनी हुई कुछ नहीं दिख रही है। उसमें डॉट दिख रहे हैं आपको? नहीं सर। एक है ना, ये क्लियर दिख तो रहा है इसमें डॉट? सर, दिख रहा है, दिख रहा है, दिख रहा है। आपका शायद इंटरनेट कनेक्शन लो होगा। ओके सर, मैं चेक कर लेता हूँ सर। दिख रहा है, डॉट डॉट दिख रहा है। हाँ, और आपके ग्राफ पेपर में भी वो ब्लॉक्स बने होंगे छोटे छोटे, ठीक सही, है? हाँ जी, बने हाँ हुए हैं। हाँ तो अंदर के जो डॉट्स है ना वो आपको कोई भी नाप अज्यूम कर लेना है, ठीक है? और जो बड़ा एक बाहर एक ब्लॉक दिख रहा होगा, अंदर के 5 ब्लॉक होंगे, 5 राइट साइड 5 डाउन साइड, ठीक है? तो पूरा बन के एक ब्लॉक बनता होगा। तो इस तरीके से मैं आपको दिखाऊँ, एक इस तरीके से ब्लॉक बनता होगा, समझे? तो वो ब्लॉक आपको अज्यूम करना है कि मेरे को कितना नाप इसको फिक्स करना है। एक बार आपने अज्यूम कर लिया है कि इतना नाप मेरे को फिक्स करना है, और फिर वो ड्राइंग में आपको उतना ही अज्यूमेशन रखना है आगे। सपोज हम आज जो बनाने वाला है उसका लेंथ है 40 फीट, ठीक है, और उसका विथ है 35 फीट, ठीक है? हेलो, ठीक है सर, सर ठीक ये फीट फीट में जनरली करेंगे हम लोग। जनरली फीट में करेंगे, फीट और इंच दोनों में करेंगे,
इसमें क्या ऊपर रिकॉर्डिंग दिखा रहा है क्या सर जो आप भेजे हैं? हाँ रिकॉर्डिंग चल रहा है इसमें। लेकिन सर खाली रिकॉर्डिंग दिखा रहा है और पेपर वेपर या ग्राफ वगैरह कुछ नहीं दिखा रहा है। ये पेपर नहीं है मेरे पास, मैं पूरा प्रेजेंट कर रहा हूँ, व्हाइट बोर्ड है मेरे पास। व्हाइट बोर्ड है इसमें सर, कुछ है सर्कल वगैरह कुछ? नहीं सर्कल वगैरह नहीं है, खाली डॉट्स ही हुए। इसमें डॉट्स दिख रहे हैं आपको? सर स्टार्टिंग से बोलो ना, ज्वाइन करके 1 मिनट हुआ। हाँ मैं फिर से बताता हूँ, हाँ मैंने एक ग्रुप में एक फोटो शेयर किया हुआ है, ठीक है? अच्छा वो जो फोटोग्राफ्स है ना वो हम आज ग्राफ पेपर में बनाएंगे। पहली सबसे पहली चीज यही है वास्तु कंसल्टेशन में कि आपका जो नक्शा है वो सही होना चाहिए। अगर आप नहीं बना सकते तो आप कोई वास्तु सिविल ड्राफ्ट्समैन को हायर करके वो नक्शा बनवाना है उससे, और उसका जितना भी डिग्री होगा नॉर्थ का वो कलेक्ट करके आपको पूरा वो बना के दे देगा। जो प्रोफेशनल होगा वो आपको ढूंढना है, आपके एरिया में मिल जाएगा। और अगर आप बना सकते हो तो बहुत बढ़िया है, पर जो प्रोफेशनल वास्तु कंसल्टेंट होते हैं वो ऐसे ही ड्राफ्ट्समैन को हायर करके उससे ही बनवाते हैं और बाद में बाकी जो कंसल्टेशन है वो करते हैं। अगर ये नक्शा इधर उधर हो गया या तो आपने डिग्री सही तरह कैसे नहीं ली तो क्या होगा, जितना भी आप वास्तु कर लो आपका वास्तु गलत हो जाएगा और उसको रिजल्ट मिलने वाला नहीं है। तो ये फर्स्ट स्टेप है वास्तु कंसल्टेशन में कि आपको नक्शा बनाना आना चाहिए, या तो जिसको भी आप हायर कर रहे हो वो परफेक्शन के साथ नक्शा बनना चाहिए। अगर नक्शा सही तरीके से नहीं बना तो वास्तु कंसल्ट नहीं कर सकते आप। तो अभी जो आपका ग्राफ पेपर है उसमें आपको डॉट्स दिख रहे होंगे, अंदर छोटे छोटे डॉट्स है और बाहर की साइड और 5 डॉट्स है, 4 डॉट्स सॉरी। तो आपको है ना जो विथ और लेंथ ले रहे हो जहाँ की, उसको एक अज्यूमेशन करना है और हमको फीट और इंच में ही कैलकुलेट करना है। मीटर में और एमएम में हमको नहीं जाना है, या तो सेंटीमीटर में भी आता है पर हम प्रैक्टिस फीट और इंच में ही करते हैं, तो वो खास ध्यान रखने का है। ठीक है आगे तो सर चलो। एक एक ब्लॉक को 5 फीट मान लीजिए। हाँ एक ब्लॉक को 5 फीट मानो, ठीक है? तो हमको ठीक हाइट इतनी 40 इंच दी हुई है, 40 फीट, ठीक है? तो आपको कितने ब्लॉक भरने होंगे? आठ आठ ब्लॉक ठीक है तो देखो मैं यहाँ से 8 ब्लॉक भर रहा हूँ। एक हो गया, 2 3 4 5 6 7 8, ये भर गए। वैसे ही आपको एक स्ट्रेट लाइन बनानी है 8 ब्लॉक भर के। ठीक अभी भी लोग ज्वाइन हो रहे हैं आज क्यों? सर, ये कौन सा मतलब लिंक क्या है ये जो जहाँ पे आप बना रहे हो? ये जूम का व्हाइट बोर्ड है। अच्छा, जूम का व्हाइट बोर्ड है। हाँ सर, आप जो 8 ब्लॉक बोले हैं, ठीक है, हमारे ग्राफ पेपर में सर एक ब्लॉक में 4 में डिवाइडेड है, तो हम एक ब्लॉक पूरा लेंगे ना वो वाला। सर आपके ग्राफ में 5 होंगे, एक ब्लॉक में 5 ब्लॉक अंदर होंगे। मेरे में तो एक ब्लॉक में 4 है ना सर, एक ब्लॉक में 4 बन रहे हैं। हाँ तो ठीक है आप 4 को कैलकुलेट कर लो, पर जो बड़ा ब्लॉक्स है उसको आप 5 फिट का अज्यूम कर लो। सब बड़ा वाला जो ब्लॉक है, जैसे मैं ग्राफ पेपर, जैसे नॉर्मल ग्राफ पेपर जो होता है उसमें हाँ एक ब्लॉक बना है, उस एक ब्लॉक में 4 बार डिवाइड है, मतलब 2 बार डिवाइड, तो 4 बॉक्स बने एक। समझाइए सर, आप थोड़ा अलग पेपर लेके आए हो, मेरे को मालूम नहीं पड़ रहा है आप क्या समझा रहे हो। तो व्हाइट बोर्ड में भी कुछ नहीं दिख रहा है, मतलब वो डॉट्स वॉट्स कुछ भी नहीं दिख रहा है हमारे साइड पे। आप वो अपना पेपर चेंज दिखा दो ना वीडियो कॉल में। अप, हाँ वीडियो इसमें दिखा दो ना मेरे को आप क्या बोल रहे हो। हेलो, हाँ सर, पेपर शो हो रहा है आपको? सर हाँ ये वाला पेपर है। हाँ तो ठीक है ना, आपको जो बड़े बड़े ब्लॉक्स दिख रहे हैं ना हाँ सर, ये छोटे, जो ब्लॉक्स है ना, ये वाले, ये जो मैं हाँ फिंगर जिसमें रखी हूँ, उसमें देखिए 4 ब्लॉक्स बने। हाँ
तो ये चार जो हुए ये पूरा आपका 5 फीट का है क्या? नहीं, एक ही ब्लॉक पकड़ना है आपको, पांच चारों ब्लॉक अच्छा पकड़ने हैं। एक ब्लॉक आपको अज्यूम करना अच्छा है जो पांच उसमें मीटर छोटा, अच्छा छोटा ब्लॉक जो बना हुआ है वो है आपका? हाँ हाँ नहीं सर, अच्छा वो तो अच्छा बड़ा ब्लॉक ही होगा ना, बड़ा ब्लॉक के अंदर वो छोटे छोटे यहाँ एक बड़े स्क्वायर ब्लॉक के के अंदर, अंदर छोटे छोटे ब्लॉक्स है, तो तो आपको बड़े जो ब्लॉक छोटा का 5 ब्लॉक है मीटर ना होगा वही ना एक पकड़ना है 5 फीट। आप अगर ओके स्केल ओके से हाँ गिनोगे ना मान तो 7 सेंटीमीटर का ये लोगों ब्लॉक, वहाँ किधर एक छोटे छोटे सेंटीमीटर का एक कवर ब्लॉक ना, रहेगा, नहीं तो 7 सेंटीमीटर का 7 ब्लॉक्स रहेगा। तो बड़ा ब्लॉक 5 मीटर लेना है आप बोल रहे हो? हाँ 5 फीट लेना है बड़ा ब्लॉक, और हमको ठीक है, जाना है 40 फीट तक, तो ये लोगों 60 ब्लॉक आपको भरने होंगे। और खास ध्यान रखो कि आप जो पेपर है ना आपका, तो उसके लेफ्ट साइड से चालू कर रहे हो, पर वो आगे 3 4 लाइनें खाली रखना, क्योंकि जो हमारा राउंड पेपर बनेगा ना तो आपको जगह नहीं मिलेगी फिर, तो थोड़ा सा लेफ्ट राइट में जाके स्टार्ट करना, मतलब आगे के 3 4 ब्लॉक्स छोड़ के चालू करना, और वैसे भी ऊपर भी 3 4 ब्लॉक छोड़ के चालू करना। ये क्लास एक्चुअली ऑफलाइन होना चाहिए था। सर एक बार आप वापस व्हाइट बोर्ड को रीशेयर वाले ऑप्शन में करेंगे क्या, क्योंकि ये मेरे स्क्रीन में तो हाँ व्हाइट बोर्ड नहीं दिख रहा है बिल्कुल भी, सर आपको ना जैसे हम जैसे ग्राफ दिख रहा पेपर है। लेके, सर जैसे हम ग्राफ पेपर लेके रखे ना वैसे आपको ग्राफ पेपर लेके और कैमरे को ऊपर यूज करके पर आना चाहिए, तो हमको क्लियर समझ में आएगा सर, ये व्हाइट वाले बोर्ड में किसी को क्लियर समझ में नहीं आएगा। मेरे में भी कुछ नहीं दिख रहा है। नहीं हमको पॉइंट्स दिख रहे हैं बट एक्चुअल में सर जो बोल रहे हैं ना वो ग्राफ ठीक पेपर के थ्रू ही समझ में आएगा अपन को। है, मैं देखता हूँ, ग्राफ पेपर होगा मेरे पास, हाँ सर ग्राफ पेपर दो को मिनट कैमरे को ऊपर करके करिए। हाँ 2 मिनट 2 मिनट जी जी सर जी।
हाँ सर, अब क्लियर दिख रहा है अभी। अब दिख रहा है सर? हाँ सर, दिख रहा है। सर होस्ट मोड ऑन कर दीजिए, क्योंकि और कोई भी बोल रहा है ना तब उनका पिक्चर यहाँ पे रिफ्लेक्ट होता है, ताकि हाँ गेम जो भाई। तो देखो, ये आपको जो ब्लॉक्स दिख रहे हैं ना, ये छोटे अंदर के ब्लॉक्स की बात नहीं कराऊ, ये बड़े ब्लॉक्स जैसे ही एक है, ठीक है? आपको दिखा? ठीक है, हाँ ये एक ब्लॉक्स को आपको गिनती में लेना है। अगर बड़ी जगह होगी तो ही हम अंदर के ब्लॉक्स पे जाएंगे, वरना तो ये बड़ा जो हाँ ब्लॉक्स है ना बाहर का, वही हम कैलकुलेट करेंगे, ठीक है? तो जैसे हमारे ये जो नक्शा है, यहाँ पर हमारा 40 फीट है, ठीक है? तो ये हम यहाँ से ब्लॉक्स कैलकुलेट करेंगे। 40 फीट में क्या हम 5 फीट का एक ब्लॉक हाँ अज्यूम करेंगे ना, तो बहुत छोटा हो जाएगा, तो हमको थोड़ा ज्यादा अज्यूम करना पड़ेगा। तो एक ब्लॉक्स हम 2 फीट का अज्यूम कर लेते हैं। तो कितने ब्लॉक्स चाहिए हमको? 16 क्या सर, नहीं 16? बीस 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 हाँ, बीस 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 ब्लॉक चाहिए ना। बीस तो 20 ब्लॉक हो रहे, वो आपको देखना पड़ेगा। एक दो तीन चार पांच बीस छह सात आठ नौ दस में ग्यारह दिक्कत आ जाएगी सर, 2 फीट करोगे तो विड्थ बारह। में दिक्कत आ जाएगी, लेंथ हाँ, तो तो पूरी फिर हो गई विड्थ। और भी छोटा करना पड़ेगा, तो 3 फीट गिन लेते हैं। चलो, तो 3 में पन्नी कितना कितना करना बजा माल पड़ेगा? आपका? सर होस्ट मोड ऑन कर दीजिए प्लीज, क्योंकि और बाकी लोग का आ जाते हैं यहाँ पे करो स्क्रीन पे। कैलकुलेशन। 9,000 ऑन ही है ना? 9,000 नहीं, और जो भी ठीक बोलता है ना तो उनका नाम या फेस है। इधर आ राजा जाता है। माल है, वो माल आपको का अंदर तो जाके ही व्यू में सेट करना पड़ेगा कि आप है कौन ना, स्पीकर बोलता है कि क्या बोलता है उसमें। आप तर को देखो पिन कर दीजिए तो वो ही दिखेंगे। 200 के लिए दो 12 12 नहीं, 100 के लिए 2, 650 मतलब 12। हाँ, 12 बंडल, अगर वो 2 हो जाएगा तो फिर 6 बंडल, 12,000 अरे ये दे, कौन बारह बोल रहा हजार दे है दो यार, ना। भाई म्यूट कर दो यार। इनको म्यूट मैं यहाँ से म्यूट करने भी रहूंगा और आपको सिखाऊंगा तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। प्लीज दो सर। नहीं सर सारे आपको नहीं, जिनको जो वो भी बोलना हाँ है उसके लिए म्यूट खोलना, बाकी आप म्यूट ही रखना, ठीक है? सर कितना लेना है अभी? तो अभी 4 फीट लेते हैं, चलो हम आगे बढ़िए, ओके, ठीक है? तो एक 40 फीट करना है, तो 4 फीट के हिसाब से कितने ब्लॉक चाहिए दस हमको? दस चाहिए। 10 ब्लॉक चाहिए, तो 10 ब्लॉक हम लेंगे। तो यहाँ से ना थोड़ी आप देखो, ये मेरा एंड हो गया, तो यहाँ से आपको एक दो तीन ब्लॉक या 4 ब्लॉक छोड़ देते हैं हम, 5वें ब्लॉक से चालू कर दे, और ऊपर से 1 2 3 4 ब्लॉक छोड़ देते दे, यहाँ 5वें ब्लॉक से हम चालू करते हैं, ठीक है? तो यहाँ से हमको 10 गिनने हैं। तो ये एक हो गया, ये दो हो गया, ये तीन, आप स्केल से करना, 4 5 6 7 8 9 10। हो गया 10? जी सर, जी सर, बड़ा स्क्वायर लेना है ना सर? हाँ बड़ा बड़ा। ठीक है सर। ठीक है, और अभी ऐसे हमको विथ इसकी 35 है, ठीक है?
तो 35 डिवाइडेड बाय 4 करेंगे तो कितने ब्लॉक्स चाहिए हमको? 35 × 4 आठ, 4 × 6 ऑलमोस्ट 9। 32, 8 से ऊपर सर। एट पॉइंट सेवन फाइव आता है सर, मतलब 8 पूरे ब्लॉक लेंगे और नौवा हाँ ब्लॉक 3/4 कवर करेंगे। हाँ वैसे करना, मतलब जो भी आता है वैसे ही कैलकुलेट करना है, अज्यूम 8 नहीं करना है, 8.5 आ रहा है तो आधा ब्लॉक्स भी हम काउंट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से सर पहले हम 36 में बता दीजिए, जैसे पूरा पूरा आ जाए, जो पहले वो वाला समझ ले। जैसे सॉरी। सर मान लो 35 कर रहे हैं हम लोग ना, तो हाँ 36 कर लेते हैं तो उससे हाँ इक्वल आ जाएगा थर्टी अरे 35 की अगर लेंथ आई है तो हमको 35 ही नाइन्थ। गिनना है ना, समझो आप। तो नो जो भी नो ब्लॉक्स सर, है 35 डिवाइडेड बाय 4 करो। ठीक है, कितना आया? 8 पॉइंट समथिंग आया, हाँ जी 8.75 आया। 8.75 आया। ठीक है, तो आठवां जो ब्लॉक है, नौवां जो ब्लॉक है वो हमको 75% तक ही लेना है। चलो मैं आपको बताता हूँ, अभी आप गिनो। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। 8 हो गए। 8 के बाद ये नौवां जो ब्लॉक है ना उसको सेवेंटी जी फाइव परसेंट तक ही भरना है, बाकी छोड़ देना है उसको। आधे से थोड़ा सा ऊपर। हाँ ठीक ठीक है, ये हो गया। ये हमारी विथ आ गई, ये लेंथ आ गई। अब इसको पूरा स्क्वायर बना देना है। तो यहाँ से स्ट्रेट लाइन यहाँ तक और यहाँ से स्ट्रेट लाइन यहाँ तक। ठीक है, यहां तक आ गई और यहां से यहां तक, ये आपका स्क्वायर हो गया। हो गया। सर ये इसका डिस्टेंस जो इतना फिट का आपने पहले से डिसाइड करके रखा था या पहले से कोई भी ब्लॉक्स? आप अज्यूम करना है, मैंने ना अच्छा एक ब्लॉक का 4 फीट गिना, समझो। अच्छा अच्छा तो मेरे को 40 फीट जाना है तो 10 ब्लॉक गिनने पड़ेंगे, और हाँ थर्टी सर, फाइव फीट आपने जाना है तो 8.75 ब्लॉक गिनने होंगे। 4 फीट ही क्यों गिने? वो वही आपको वो ध्यान रखना है कि अगर आपकी लेंथ, ठीक है, मान लो कि 100 फीट है, ठीक है, और आपको ये पेपर में खत्म करना है तो आपको वो ओके ध्यान रखना पड़ेगा कि 100 फीट है तो मतलब ज्यादा है लेंथ इसकी, तो हमको एक एक ब्लॉक या तो 10 फीट का गिनना पड़ेगा या तो 8 फीट का गिनना पड़ेगा। और अगर ओके कम सर, है तो उसके हिसाब से 5 फीट, 4 फीट, 2 फीट, 1 फीट वैसे गिन सकते हो आप। तो सर जो ऐसे आप ग्राफ तो में जो सिखा रहे हैं हमें, ये जो ग्राफ बना, तो ये चीज हम ऑटोकैड में ऑटोकैड भी सेम ऐसी करेंगे क्या? में तो जिसी को ऑटोकैड आता है, ठीक है, उसको तो ये करने की जरूरत नहीं है। वो तो क्या करेगा कि अगर मान लो कोई विजिट करने गया, ठीक है, तो हाँ वो घर हाँ का मान लो कि ये कमरा है ऐसा, तो उसका जो भी लंबा है वो ले लेगा, चौड़ा है वो ले लेगा, और उसमें बेड कैसे बना है और क्या वार्डरोब कैसे बना है, एंट्री कहाँ से है, बाकी सब टीवी वगैरह है कि नहीं, वो सब चीज इसमें लिख लेगा और उसकी लंबाई चौड़ाई लिख लेगा। ठीक है, और वहां पर ऑटोकैड में जाके उसको मालूम है कि क्या करना है तो ऑटोकैड में वो सब चीजें डाल देगा तो वो सर ग्राफ से खत्म हो ज्यादा इजी जाएगा। ऑटो कैड है ना? ऑटोकैड इजी, ऑटोकैड में एक्यूरेसी 100% आएगी, ग्राफ में एक्यूरेसी नहीं आएगी आपको। ओके सर, ओके सर, थैंक यू। तो सबका ये स्क्वायर बन एक्सक्यूज गया। मी सर, हाँ जी, सर ऑटो कैड के क्लासेस होते हैं क्या? मतलब कहाँ पर हम जाके सीख सकते हैं ऑटो कैड? हाँ, क्लास होते हैं ना। ओके, तो हम लोग को अपने लोकल में कहीं भी मिल जाएंगे ये क्लास के? आप कराते हो ये भी? अभी हमने तो सोचा नहीं है कराने का, फिर बाद में सोचेंगे, पर ओके आपको लोकल में तो मिल जाएंगे। ओके फाइन, पर थैंक वो यू। क्या करते हैं, वो इंजीनियरिंग ऑटोकैड सिखाते हैं, तो हमको खाली 2D ऑटोकैड की जरूरत है, बाकी इसमें ओके बहुत और सारा 3D भी आता है, रेविट भी आता है, वो सब इंक्लूड सिखाते हैं जो लोकल वाले सिखाते हैं ना वो। सर, तो आप थोड़ा सा बताइए ना कि हमको क्या सीखना चाहिए और हम कहाँ जाके सीखे, बिकॉज अगर अगर ये आपके डिफिकल्ट लोकल वाला लगेगा जो तो। 2D ड्राइंग सिखा रहा है तो आप हाँ वहां से सीख सकते हो।
ओके फाइन सर, ओके थैंक यू। ठीक है, अभी ये ब्लॉक्स बन गया आपका। अब हम यहाँ पर एक देखो, मैंने एक किचन जैसा बनाया है, दिख रहा है आपको? हाँ सर, एल शेप तो उसकी 25 लेंथ है और 15 हाइट है, ठीक है? तो में। हमको जो 25 लेंथ है विथ उसको कैलकुलेट करना है। तो हमने 4 फीट एज्यूम किया है, तो 25 डिवाइडेड बाय 4 कितना हुआ? 6.25। सिक्स। तो हमको यहाँ से गिनती करनी पड़ेगी। यहाँ पर पहले एक एक बार लिख देंगे 6.25, ठीक है? और दूसरा 15 फीट है, तो 15 फीट डिवाइडेड बाय 4 कितना आया? 3.75। 3.75, ठीक है? तो ये दोनों हम यहाँ पर लिख रहे हैं ये किचन के बारे में। अभी हमको 3.75 यहाँ से चालू करना है, ऐसे 3.75 छोड़ के, और यहाँ से 6.25 छोड़ के यहाँ से चालू करना है। ऐसा बॉक्स बनाना है। कैसे बनता है वो अभी हम देखेंगे। तो देखो, यहाँ से ऊपर 3.75 है, तो 3 ब्लॉक तो पहले छोड़ देने हैं, 1, 2 और 3। 3 छूट गए, बाद में 0.75 है, तो चौथा जो ब्लॉक है वो 75% छोड़ के एक लाइन बनानी है यहाँ से, समझे? और वो लाइन कहाँ तक जाएंगी? 6.25 तक। तो 1 ब्लॉक 2 3, 1 2 3 4 5 6 और 6.25 मतलब थोड़ा सा, और इसको यहाँ से ज्वाइन कर देना है ऊपर से। हो गया आपका? हाँ जी, सर हाँ सर हो गया। ठीक है। अभी यहाँ पर आपको एक छोटी सी एंट्री दिख रही है, ठीक है? यहाँ से एंटर करते हैं किचन में। तो यहाँ पर हम फॉर एग्जांपल नाप ले लेते हैं 4 फीट का, ठीक है? तो हमको एक ब्लॉक्स का एंट्री बना देना है यहाँ पर। ये 25 तो था ही, तो यहाँ से लेके ये 75, ये 4 फीट का एंट्री बन गया, ठीक है? सर एंट्री का दोबारा बताना, सॉरी, एंट्री का एक बार दोबारा बताना अगर समझो कि 4 फीट की एंट्री है, ठीक है? जी। तो यहाँ पर हमने क्या लिया था? 3.75 लिया था, ठीक है? जी तो 75 तो ये ब्लॉक्स भर गए हैं, यहाँ पर हमको 25 ही भरना है, ठीक है? तो ये मैंने थोड़ा गलत लिखा है, यहाँ पर आता है, ये 25 हो गया और ये 75 हो गया, तो पूरा 4 फीट हो गया ना, एक ब्लॉक से लेना है आपको। ठीक है सर। सर एक ब्लॉक मतलब 4 क्वाड्रेंट आएगा, तो आपका पहला मार्किंग बराबर था, 4 फीट इक्वल टू 1 सेंटीमीटर के हिसाब से। हाँ, मतलब वो आपने यहाँ पर जो लिया है ये कितना हुआ आपका? 3.75 हुआ है ना, तो 75 तो ये हो गया ना, ये ब्लॉक्स तो 75 में आ गया है, तो आगे का ब्लॉक में मेरे को 25 करेक्ट लेना करेक्ट, यस पड़ेगा, 25, तभी यस एक ही होगा, तभी एक होगा, और हाँ तब एक वन बराबर, इज इक्वल टू फोर होगा, करेक्ट करेक्ट करेक्ट, यस। ठीक है? अभी एक प्लेटफॉर्म है, तो जो भी उसका नाप है, अगर सपोज मान लो कि 2 फीट से, हेलो, आवाज आ रही है? हाँ अभी आ रही है सर। हाँ, तो सपोज कि 2 फीट का है, ठीक है? तो हमको आधे ब्लॉक से एक लाइन करनी है ऐसे और ऐसे, तो वो प्लेटफॉर्म हमारा हो जाएगा वहां पर। फिर हमको वहां पर जो भी चीजें है, सपोज कि मान लो आपका गैस इधर पड़ा है, तो लिख देना है इधर गैस। यहाँ पर आपका वॉश बेसिन है, तो वॉश बेसिन लिख देना है। सपोज इधर आपका फ्रीज है, तो फ्रीज लिख देना है। सपोज यहाँ पर आपका एक कपबोर्ड है ऐसा,
तो कपबोर्ड बना देना है, जो भी मेन मेन चीजें है वो आपको मार्किंग कर देना है उसका। अभी ये यहाँ पर आपको 3 फीट का एंट्री लिखा हुआ है, ठीक है, मेन जो एंट्री है हमारी, तो 3 फीट मतलब 75 हो गया। तो पहले अपने हमने यहाँ से यहाँ गिना था टोटल, तो कितना हुआ था, 8.75 हुआ था, तो ये 75 तक तो है ही। तो यहाँ से लेके ये ब्लॉक्स के स्टार्टिंग में हमको यहाँ पर ऐसे एंट्री लिख देना है, हो गया। यहाँ तक किसी को डाउट? हेलो, क्लियर है सर, क्लियर है। ओके। अभी हम जाते हैं, यहाँ पर ये टॉयलेट बना हुआ है, ये टॉयलेट का लेंथ है 5 फीट और हाइट है 6 फीट। तो 5 फीट का लेंथ है बराबर, ये 5 फीट का बहुत छोटा पड़ जाएगा, मैं इसको 10 कर देता हूँ, और 6 की जगह पर 12 कर देता हूँ। अगर 10 लेंथ है, विथ है, तो हमको डिवाइडेड बाय 4 करना है, तो कितना मिलेगा, 2.5। 2.5 फुट। 2.5 मिलेगा। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 2.5, और 12 है हाइट, तो 12 डिवाइडेड बाय 4 कितना मिलेगा। थ्री थ्री हेलो, थ्री 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 कौन 6 बोला, थ्री बोला सर, ठीक है, थ्री टू थ्री पॉइंट फाइव बोला। और 3। अभी हमको विथ जाना है 2.5 और हाइट में लेना है 3। तो यहाँ से हम कैलकुलेट करें, तो यहाँ पर आपको ऊपर यहाँ से दिया हुआ था 6.25, ठीक है, यहाँ पर आप पतला सा 6.25 लिख सकते हो, फिर बाद में आपको वो रिमूव कर देना है, वो ख्याल के लिए लिखना है खाली, कि हमने पहले लिया हुआ है, अरे सॉरी, 3.75 था, 3.75 पहले लिया हुआ था, ठीक है। अभी यहाँ से 3 जाना है हमको, तो 75 हो गया है और 25 बचा है इसमें, हेलो सॉरी। अभी यहाँ पर आपको ये ब्लॉक्स है वो 75% भर गया है, 25 बाकी है, ठीक है, और हमको 3 पूरा जाना है, सर तो ये एक 75.25 का गिन लेते हैं, ये एक पूरा गिन लेते हैं, ये 2 हो गया, आधा और ये 3 में 0.75 आधा तक ही लेना है, आधा क्योंकि यहाँ लेना है पर सर। 25 हमारा भर गया है, तो यहाँ 0.25 तक, और यहाँ से आगे जाना है हमको, यहाँ पर 0.5 ब्लॉक्स लेने हैं, तो यहाँ पर 1, 2 और आधा ऐसी लाइन बना देनी है, ठीक है। इसका जो भी दरवाजा का नाप है उसके हिसाब से लगा देना है, फिर जो भी टॉयलेट सीट है उसको बता देना, अगर फेसिंग जो भी है वो आपको ऐसे मार्क कर देना है, मैंने जैसे ये एरो किया है, तो मतलब ऐसा नॉर्थ का फेसिंग इसका आ गया, और ये आपका वॉश बेसिन आ गया, और बाकी कोई भी चीजें अगर रखी हो बाथरूम में टॉयलेट में, तो वो सब मेंशन कर देना है, यहाँ पर लिख देना है ये हमने किचन बनाया है और ये हमने वॉशरूम बनाया है, ठीक है। फिर देखो आप, यहाँ पर हमारा एक ड्राइंग रूम भी है, तो हमने पहले से ही इसको ब्लॉक्स स्क्वायर तो बना दिया है, खाली जो चीजें रखी हुई है उसके हिसाब से हमको ग्राफ्स पेपर वाला ड्राइंग में चीजें रख देनी है। तो सपोज एक यहाँ पर
ऐसा सोफा बना हुआ है, दूसरा इधर बना है, यहाँ पर सपोज आपका टीवी यूनिट है, ये सेंटर टेबल आपका आ गया। सपोज इधर कोई डाइनिंग पड़ा है तो वो आपको ऐसे बना के रख देना है। तो इस तरीके से पूरा आपका एक छोटे से घर का ड्राइंग बन जाता है। ठीक है, इसमें कोई डाउट हो तो अभी पूछ लो। आगे चले, सॉरी, हाँ सर, अभी इसमें नॉर्थ कौन सा है? नॉर्थ हम जितने भी ड्राइंग्स बनाते हैं ना, वो उसमें अप्रोक्सीमेटली सपोज आपको नॉर्थ टॉप पे ही लिखना है, तो जो भी आप ड्राइंग बनाओगे उसका नॉर्थ टॉप में ही आएगा। कितने डिग्री का है वो हम सब बाद में पढ़ेंगे, पर जो नॉर्थ है वो टॉप में अज्यूम करके ही ड्राइंग बनाना है आपको। अगर ये सपोज ये ड्राइंग है जो मैंने ए पेपर पे बनाया है, ठीक है, और ये ड्राइंग अगर मैं ऐसा कर दूं, ठीक है, तो अगर आपने जब ड्राइंग बनाते समय यहाँ पर आपको ऐसे लिख देना है, एन एन करके दिख रहा है आपको, तो आपको जी पता सर, चलेगा कि नॉर्थ आपका किधर है। खाली एज्यूम के लिए, डिग्री वाला तो आपको यस वहां पर यस पता नहीं चल पाएगा, यस वो तो यस, आप, अभी अभी वो मैं बाद में सिखाऊंगा कि कितना डिग्री पर लेना है और क्या लेना है। खाली ऐसा मार्क कर देना है आपको, तो वो पता चल जाएगा कि आपको नॉर्थ किधर है। जी सर। ठीक है, तो आगे बढ़े। जी सर, ओके, यस सर, हेलो अभी हम इसका सेंटर निकालेंगे। तो सेंटर निकालने की सर, आपका प्रोसेस, स्क्रीन कांस्टेंट रखिए ना, जो बात करते हैं उनकी स्क्रीन बीच बीच में आ जाती है तो बहुत इरिटेटिंग होता है, समझने में सर तकलीफ हो जाती है। नहीं, उसमें सर क्या को होता आप है, वो पिन कर वैसे ही दीजिए, होगा। आप पिन मतलब कर मेरी लो, बात पिन कर सुनो, लो, मेरी बात पिन सुनो, पिन एक पिन एक कर एक लो। मेरी बात सुनो। उसमें क्या होता है, फिर रिकॉर्डिंग में जो अगर कोई क्वेश्चन वाल पूछेगा ना, तो उसका नहीं आएगा, तो इसलिए वो ही रखना पड़ेगा हमको। अगर कोई आइटम मिस हो रही है तो ओके मेरे को सर, बता ओके सर, देना, तो मैं चलिए दोबारा उसको आगे एक्सप्लेन कर दूंगा, उसका कोई टेंशन नहीं है। आगे आगे चलिए सर, आगे चलिए प्लीज। ठीक है, इसका हम सेंटर निकालेंगे। तो सेंटर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, चार कोनों को हम दो लाइन से ज्वाइन करना पड़ेगा। देखो, यहाँ ऐसे एक कोना, ये दूसरा कोना, तो एक लाइन बना के हम इसको ज्वाइन कर लेंगे। हो गया, वैसे ही दूसरा एक क्रॉस लगा लेंगे। हो गया, अभी ये आपका बीच का सेंटर पॉइंट आ गया। ठीक है, यहां तक क्लियर है? यस सर, अभी यस पिछले यस, क्लास में बोला था कि वो चक्र वास्तु का जो है वो अमेज़न से मंगवाना था, तो किन किन ने मंगवा लिया? है सर, मंगवा लिया, मंगा मंगा लिया लिया, लेकिन डिलीवर नहीं अभी हुआ अभी है। यहाँ पर, डिलीवर हाँ अभी यहाँ पर उसकी जरूरत आएगी। ठीक है, अभी हम सपोज कि कोई जगह है उसका नॉर्थ हमने निकाला है, कैसे निकालना है वो तो मैं बाद में सिखाऊंगा, पर अभी उसके आगे एक जो चीज है वो मैं सिखा देता हूँ कि सपोज ये प्रॉपर्टी है उसका नॉर्थ आपने निकाला कि 10 डिग्री ईस्ट पे रोटेट है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ खाली नॉट के लिए, नॉर्थ इज इक्वल टू 10 डिग्री ईस्ट। ये सर मतलब कौन सा आपका जो कॉन्सेप्ट, नॉर्थ, ट्रू नॉर्थ, मैग्नेटिक नॉर्थ क्या है, कैसे समझ पाएगा? हाँ वो सब मैं बताऊंगा, अभी आप ये खाली ये पढ़ लो। सपोज कि आपका ओके, नॉर्थ ऐसा सीधा है और मैंने झुक लिखा रहा हुआ 10 डिग्री सर। ईस्ट पे, ठीक है, तो आपको 10 डिग्री ईस्ट पे आपको ऐसा नॉर्थ लेना पड़ेगा, समझे आप? क्योंकि ये ईस्ट में मूव हो रहा है। अगर मैंने आप यहाँ पर लिख दिया होगा कि वेस्ट हो रहा है, तो मेरे को ये नॉर्थ ऐसे घुमाना पड़ेगा, ये वेस्ट में घूमेगा, क्योंकि नॉर्थ हमारा टॉप, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। ठीक है,
तो यहाँ पर हमको ये जो आपने कंपास मंगाया ना, उसकी जरूरत यहाँ पर पड़ेगी हमको। तो आपको क्या करना है कि जो यहाँ पर जो सेंटर पॉइंट है ना, जो कंपास का वो सेंटर पॉइंट और जो हमारा घर का सेंटर पॉइंट है ना, वो दोनों को मिला लेना है ऐसे। और स्ट्रेट जो आपका यहाँ पर आपको नॉर्थ दिख रहा होगा, दिख रहा है, जी सर, ओके। ये नॉर्थ को आपको स्ट्रेट रखना है। ठीक है ऐसे। और यहां पर आपको मार्किंग कर लेना है, ये एन लिखा है जहां पर 0 डिग्री आ रहा है वहां पर, ऐसा एक मार्क करके ऐसा एरो बना देना है। हो गया? हो गया। हाँ सर, अभी यहां पर देखो आपका जो नॉर्थ है वो लेफ्ट में यहाँ से चालू होता है और राइट में यहाँ तक चालू है, ठीक है? तो आपको ये और ये दोनों पॉइंट पे आपको एक मार्क बना देना है, जैसे कि ये है तो इसको यहाँ पर, और राइट वाला ये मार्क है तो इसको यहाँ पर। हो गया? ये 10 डिग्री क्यों किया सर? 10 डिग्री हाँ वो मैं समझाता हूँ, ये पहले आप ये एज्यूम समझ करें। लो। रबर हाँ नहीं दिख रहा है? देखा है सर। अभी यहाँ पर आपको ऐसा एन लिख देना है तो आपको समझ आएगा कि ये नॉर्थ है। अभी मैं ये बात कर रहा हूँ कि सपोज कि आपने कोई डिग्री ली हुई है पहले से, जो जैसा मैंने सिखाया होगा उस तरीके से आपने सपोज की डिग्री ले ली है और तुम्हारी आपकी डिग्री आई 10 डिग्री ईस्ट, ठीक है? तो आपको यहाँ पर क्या प्रोसेस रहेगी, सेंटर में रखना है, दोनों सेंटर मैच करने हैं, ठीक है? फिर आपको ये नॉर्थ जो सीधा है यहाँ पर आपने मार्क किया हुआ है, ये मार्क को यहाँ आपको दिख रहा होगा 10, दिख रहा है? ये जी टेन डिग्री सर, आपको हाँ ये रोटेट करना पड़ेगा ऐसे 10। सपोज कि ये मैं अभी रब कर दे रहा हूँ इसको, इसको भी रब करता हूँ और ये भी रब कर देता हूँ। अभी मैंने ये दोनों मैच किए, ये एरो मैच किया। अभी मेरे मैंने एक 10 डिग्री पे एक निशान मारा, ठीक है? और फिर मैंने यहाँ से 10 डिग्री इसको घुमा दिया। आपका सेंटर हिलना नहीं चाहिए, वो आपको खास ध्यान रखना पड़ेगा। और यहाँ पर आपको ऐसा जो हमने यहाँ पर एरो बनाया है वैसा एरो यहाँ पर बना देना है और ये मार्क रब कर देना है। तो आपका जो एक्चुअल 0 डिग्री का नॉर्थ है वो यहाँ पर आ गया। मतलब ईस्ट के साइड पे 10 डिग्री घुमा दिया सेंटर। हाँ ये घूम गया आपका ईस्ट के साइड 10 डिग्री। सर मगर वो जो सेंटर आता है, अभी लास्ट टाइम मैंने एक क्वेश्चन पूछा था कि ये अज्यूम कर रहे हैं हम लोग कि सबका प्लॉट या सबका घर का एरिया स्क्वायर या रेक्टेंगल है, मगर हाँ काफी जगह पे थोड़ा सा एक रूम एक्स्ट्रा होता है ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ या कोई भी तरफ थोड़ा ऊपर नीचे होता है, तो हाँ उसमें पूरा डायगोनल नहीं हो पाएगा वो, तो कैसे अज्यूम करें सेंटर उसका? इसमें क्या है, एक मैं और एक चीज समझा देता हूँ।
मतलब अगर आप मेरा घर ग्राफ, जो है वो जेड शेप में है, जेड शेप में। समझ गया मैं आप क्या बोलना चाह रहे हो। एल शेप या अगर यू शेप अगर का घर? आपका हाँ करेक्ट, घर परफेक्ट स्क्वायर में नहीं है तो क्या करना पड़ेगा सेंटर के लिए, ठीक है ना, वही सवाल है ना आपका। हाँ, यस यस, हाँ, तो सपोज कि कोई घर है वो इस तरीके से बना हुआ है, राइट, हाँ तो ये जो भाग है आपका थोड़ा बाहर की ओर जा रहा है। हाँ अभी हम समझ लेते हैं कि ये इसकी चौड़ाई है 5 फीट, ठीक है, इसकी चौड़ाई है 10 फीट, इसकी चौड़ाई है 15 फीट, और इसकी चौड़ाई है 20 फीट, ठीक है। तो वास्तु में नियम वो है कि कोई भी चीज अगर 49% से कम है तो उसको एक्सक्लूड करना है, और कोई भी चीज 51% से ज्यादा है तो उसको इंक्लूड करना है। एक रूल्स है सेंटर के लिए, आप ओके, अगर लिखना चाहो तो लिख सकते हो हाँ कि कोई भी चीज 49% से कम है तो उसको एक्सक्लूड करना है, और 51% से ज्यादा हो तो इंक्लूड करना है। और उसका मतलब क्या है कि आपका जो सॉरी आपने जो सर लंबाई चौड़ाई अगर, ली है, ठीक है, ये 20 फीट आ गया, ये 15 फीट आ गया, ठीक है, हाँ ये पांच और हाँ ये 10 है, तो सपोज कि हम ये भाग नहीं गिन रहे हैं तो हमारा सेंटर कैसे आएगा, यहाँ से डॉटेड लाइन करके ये सही सेंटर है, हमारा ऐसा बन जाएगा, करेक्ट, हाँ क्योंकि ये जो भाग है वो 5 फीट है और ये भाग है 10 फीट है, तो ये भाग छोटा हो गया है, ये 49% से कम है, समझे आप, हाँ तो इसको एक्सक्लूड कर लेना है। आप हाँ हाँ मत बोलिए ना, बार और बार सेंटर स्क्रीन चेंज आपका, हो रहा है। सॉरी, और अगर तो ऐसे ही प्लीज आप बालकनी की म्यूट दूसरी कीजिए ना, तरफ बिकॉज़ है लगा, ना स्क्रीन चला जाता है। आप क्या समझा रहे हो ना, बहुत सर दिक्कत सबको कर रहे हाँ हो। हाँ बोलने के लिए मना करिए ना, आप हाँ हाँ क्यों बोल रहे हैं, आप सर की बात सुनिए बस, जिससे बार बार स्क्रीन डिस्टर्ब ना हो। समझ गए मैं क्या कहना चाह रहा हूं, क्योंकि ये 5 फीट सर है तो ये, और ये हाँ 10 फीट है तो इसका रेशियो 49% से कम हो रहा है, ठीक है, तो इसको यहाँ से डॉटेड लाइन बना के हमारा स्क्वायर, अरे क्रॉस ऐसा लगेगा और आपका सेंटर इधर आ जाएगा। बट ये एक ही एक्स्ट्रा स्पेस का हो गया, ऐसे और दो तीन जगह पे इरेगुलर शेप होगा तो वो सबका गिनना है 49% में कि हाँ, सबका गिनना है, अगर शेप ऐसा है कि तीन चार मतलब कोने आ रही है, ठीक है, तो वो आप ग्राफ पेपर पे बनाओगे ना तो वो सही बैठने वाला ही नहीं है, उसके लिए आपको ऑटोकैड पे ही काम करना पड़ेगा। करेक्ट, लेकिन सर इसको 10 ही लेंगे कि पूरा 15 ले लेंगे? सॉरी, जैसे जैसे सर 5 इंच बढ़ा हुआ है और 10 हाँ एक तरफ है, तो जब इसका हाँ पूरा निकाल देंगे स्क्वायर, तो इसको 15 लेंगे ना फिर तो? हाँ ये तो पूरा 15 ले रहे हैं ना, ये जो नीचे वाला 15 है उसको तो हम ले ही हाँ, रहे हैं, ये वाला नहीं भी ऊपर 15 ले वाले रहे को, हैं, ठीक है, ऊपर हम वाले खाली सर जो ये छोड़ बचा रहे हैं, ये जो भाग है ना वो हम छोड़ हुआ है। रहे हाँ हैं, उसको कैलकुलेट नहीं कर रहे। सॉरी सर, अगर 50% हुआ तो उसको लेंगे या छोड़ देंगे? 50% हुआ तो सर, सॉरी, अगर ये जो ऊपर वाला आपने बोला है कि हाँ 5% है जो उसको छोड़ देंगे, अगर ये 50% हुआ और 100% होता है ना उसका, 50 हाफ इसका बना हुआ है और हाफ इसका छूटा हुआ है, तो इसको लेंगे या छोड़ देंगे? अगर हाफ 50 बना हुआ है, ठीक है, तो हमको दो नक्शे बनाने पड़ेंगे और दोनों में फिर बना के देखना पड़ेगा कि इसको जो वास्तु के इफेक्ट्स है, एंट्री के इफेक्ट्स है, और जो जहाँ पर सो रहा है उसके इफेक्ट मिल रहे हैं कि नहीं, और उसके हिसाब से तय करना पड़ेगा कि हम अब कौन से ग्राफ्स पे काम करें, समझे आप, क्योंकि अगर 50% हुआ तो वो 49 पे भी नहीं रहा और 51 पे भी नहीं रहा, तो उस वो केस में हमको दो नक्शे बनाने पड़ेंगे। सर मेरा पूछना ये था, जो जो हम फिर ग्राफ मतलब स्क्वायर निकाल लिए हैं,
जो स्क्वायर बना लिए डॉट डॉट देके, स्क्वायर बन गया ना हमारा, आ गया ना, एक्स्ट्रा को हटा दिया, तो सर हाँ फिर इसकी लेंथ मतलब चौड़ाई लंबाई लेके फिर इसका वास्तु करेंगे क्या, ये पूछ रहे हाँ हैं। हाँ हाँ चौड़ाई लंबाई लेके ही वास्तु करेंगे। ठीक है सर, मतलब उसमें से 5 माइनस नहीं होगा। नहीं, वास्तु करने के टाइम पर थोड़ी माइनस होगा, हम ये सेंटर के प्रोसेस के लिए कर रहे हैं माइनस। सेंटर, ओके ओके सर। अभी अभी आपका जो भी जोन इधर आएगा वो क्या यहाँ पर यूटिलिटी हो रही है उसके हिसाब से हम वास्तु करेंगे ना इसका। ये रख रहे तो हम घर का ही पार्ट, पर हम सेंटर निकलने के लिए इसको अभी छोड़ रहे हैं। सर जब सर ऑटोकैड से ही करना है तो आप सब ग्राफ में क्यों सिखा रहे हैं, ऑटोकैड से सीख के साथ करेंगे ना फिर हम। सब लोग को थोड़ी ऑटोकैड आ रहा होगा, और नहीं तो सर इनिशियल आपको ही स्टेज पे ऑटोकैड बताना, जैसे ऑटोकैड सिखाना चाहिए सर ग्राफ की जगह पे, तो ऑटोकैड जब करना ही आगे तो उसका क्लास लीजिए ना सर एक हाथ। मैडम ऑटोकैड फ्री में नहीं है, ऑटोकैड पेड ये अलग चीज ना है, ऑटोकैड एक प्रोफेशनल चीज है, सर, बट ये वो ना अगर एक्चुअली समझ इजीली में कुछ भी कॉमन नहीं आ पीपल रहा को है। नहीं आएगा करने के लिए, तो इसलिए हम वहां पर ऑटोकैड नहीं सिखाते हैं, क्योंकि वो इजी चीज नहीं है सीखने के लिए। वो आर्किटेक्ट और सिविल इंजीनियर और इंटरनेट डिजाइनर के लिए स्पेशल सॉफ्टवेयर है, और काफी मतलब उसमें दिमाग लगता है, मेहनत लगती है, उसके बाद आप सीख सकते हैं। उसके लिए आपको अलग से भी क्लास करनी पड़ती है, ऐसे ही नहीं सीख सकते आप। तो ये बहुत डिफिकल्ट लग रहा है, मतलब मुझे तो कुछ भी समझ में ही नहीं आ रहा आपने क्या करवाया। सर फिर लेटेस्ट उसके में लिए क्या एक है, लेटेस्ट में आपको अगर ऑटोकैड कोई सिविल ड्राफ्टर है उसको हायर करके ये बनवा लेना पड़ेगा। लोग भी सिविल से करवाते हैं क्या, जिसका ग्राफ बनता है पूरा? हमारे पास तो इन हाउस सिविल ड्राफ्टर होता है, वही अच्छा जाके वहां अच्छा पर लेता है। ओके हमारे ओके। ये वास्तविक में 3 ड्राफ्टर है, वो जाके पूरा नाप ले लेते हैं और पूरा नक्शा बना के भेज देते हैं। मतलब सर जी, सर अगर अगर हम उस लेवल में पहुंच जाएंगे लाइक टू अ वेरी गुड लेवल, तो हम लोग आगे ये सब हायर कर सकते हैं इन लोगों को, राइट? हाँ, सही सही सही, क्योंकि सर ग्राफ में बनाएंगे तो पर ग्राफ में कहीं ना कहीं गलतियां होंगी, आपने भी कहा है ये चीज, तो कोई ये मतलब नहीं है सर इसीलिए अभी ग्राफ में। बोल रहा हूँ कि ये है ना इनिशियल स्टेज में है, अभी आप सीख रहे हो, समझो आप। आप अभी आपके घर का है इस तरीके से बनाओ, कोई रिश्तेदार है उसके घर का इस तरीके से बनाओ, फिर आप जो भी आप वास्तु में सीख रहे हो उसको यहाँ पर देखो कि क्या क्या चीज आ रही है, और उसके हिसाब से आपको इफेक्ट मिल रहे हैं कि नहीं, तो इसके लिए मैं सिखा रहा हूँ। बाकी अगर आप प्रोफेशनल से करवाओगे वही बढ़िया रहेगा। नहीं सर, कहने का मतलब है अच्छा सर, अभी अभी कहीं एबीसीडी सीख रहे पे, हैं ना। हाँ, सर अभी हाँ कहीं पे ऐसे इनिशियल स्टेज टेरेस है, ऐसे कोई टेरेस भी है तो वास्तु कं सॉरी टेरेस अगर है कहीं पे, अगर फ्लैट है उसमें तो ओपन टेरेस है, उसके ऊपर कवर नहीं है, तो टेरेस को अगर इसमें हाउस में कंसिडर किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा ओपन हाँ किया टेरेस? जाएगा ना, किया जाएगा, पर वो टेरेस में वास्तु करने की जरूरत ही नहीं होती, खाली पानी की टंकी रखी होगी और कुछ तो रखा ही नहीं होगा। नहीं, वो सेंटर निकालने के लिए पूछ रहा था कि अगर सेंटर हाँ वो निकालना है तो सेंटर तो कैसे। इस तरीके से ही निकलेगा। अच्छा, टेरेस है तो भी सेम जो भी अपना घर है उसके हिसाब से निकलेगा, ओपन हाँ, पर टेरेस है तो टेरेस भी। का अलग से नाप लेना पड़ेगा आप। सर इनका हाँ इनका ये पूछ रहे हैं कि अगर जैसे टेरेस पे जाके तो अपना ये निकाला जा सकता है सेंटर इजीली, ये यूं पूछ रहे हैं हाँ सर। हाँ हाँ नहीं सही नहीं है ये नहीं सही पूछ है। रहा था, नहीं ये नहीं पूछा। किसी का बालकनी होता है राइट, तो बालकनी की हाँ जगह किसी का ऊपर है, कवर नहीं है, तो टेरेस है, हाँ लाइक ये हाँ टेरेस यानी ओपन ओपन टू बालकनी, स्काई ऐसा बोलो ना। ओपन टू स्काई है। हाँ ओपन टू स्काई है, तो वो उसके हिसाब से उस सेंटर निकालने के लिए भी वास्तु को कंसिडर किया जाएगा ना, ये टेरेस को हाँ, कंसिडर वो किया इंक्लूड होगा, जाएगा। बालकनी बालकनी इंक्लूड होगा, पर हाँ वो तो पूरा जो बालकनी रेक्टेंगल, इंक्लूड होगा, अगर आपका टेरेस आ गया है तो टेरेस इंक्लूड नहीं होगा। मैं आपको वो भी समझा देता हूँ कि सपोज कि आपका सेकंड फर्स्ट फ्लोर पे मकान है, ठीक है, और आपका ऐसा स्क्वायर बना हुआ है, और यहाँ पर आपने ओपन टेरेस छोड़ दिया है, और यहाँ पर आपने आपकी सीढ़ी आ गई, ठीक है, और यहाँ पर आपका कमरा आ गया है, यहाँ से ऐसा बेड है, तो ये ऐसे इक्वेशन में क्या होगा कि जो आपका ओपन टेरेस्ट है ना वो आपको सेंटर लेने के लिए कैलकुलेट नहीं करना है, ऐसे आपका कैलकुलेट होगा।
अगर कोई सवाल, कॉर्नर में अगर टेरेस है तो, कॉर्नर में आए तो फॉरेस्ट लाइक छोटा टेरेस सा अगर कॉर्नर में है टेरेस्ट तो है, बालकनी टाइप का टेरेस्ट है तो वो गिनना पड़ेगा, अगर बड़ा टेरेस्ट है तो उसको नहीं गिना जाएगा। सर, 2 फुट का सॉरी, बालकनी है वो लेंगे कि नहीं? 2 फुट का बालकनी है मतलब हाँ उसको लेना पड़ेगा। लेना पड़ेगा ना। ठीक हाँ, और सर अभी दूसरा एक रिवर्स क्वेश्चन के, जैसे अगर ओवर हैंग है पर नीचे फ्लोर नहीं है, समटाइम्स कैसा होता है ऊपर से कवर्ड होता है थोड़ा ज्यादा हैंगिंग होता है पर नीचे फ्लोर नहीं है, तो हाँ, वो हिसाब से मैं जितना अपना फ्लोर होता है वही कंसिडर करेंगे कि ओवर हैंग को कंसिडर करेंगे? हैंगिंग को देखना पड़ेगा, अगर 3-4 फीट का हैंगिंग है तो ठीक है, तो फ्लोर ही गिनना पड़ेगा। ओके पर अगर जिसने फसाड़ किया हुआ है कि एग्जैक्टली 5 फीट 10 फीट हैंगिंग हो रहा है, तो वो भी हाँ फसाड़ गिरना पड़ेगा आपको नीचे की ओर। और अच्छा अच्छा ओके थैंक उसमें यू नियम क्या है वास्तु का, कि कोई भी चीज में एयर, वाटर और क्या बोलते हैं, अगर सनलाइट वाटर दोनों आपका नीचे आ रहा है तो वो आपको ओपन टू स्काई मिल रहा है, ठीक है, तो वो गिनना नहीं है। आपकी हवा और प्रकाश अगर नहीं आ रहा है अंदर की ओर, तो वो सब चीजें आपको कैलकुलेट करनी है। ओके ग्रेट तो सर, जैसे हाफ एक बड़ा सा प्लॉट है उसके अंदर मकान बना हुआ है, और उसके बाहर थोड़ा सा सर वो टीन वगैरह छांव के लिए लगाते रखते हैं ना, जूते चप्पल जैसे, मतलब समझ रहे हो आप मैं क्या बोलना चाह रही हूँ? फिर से बड़ा सा बताइए। प्लॉट है सर, एक प्लॉट है ठीक है, उसके अंदर अपन ने एक छोटा सा मकान बनाया है 2 रूम जितना, बस उतना ही मकान बनाया है। तो उसके बाहर इस मकान की तो 4 दीवारी है हमारे पास, उसके बाहर उसने ना थोड़ा सा टीन वगैरह लगाया है। तो टीन लगाते हैं ना, उसके साइड में तो कोई दीवार नहीं है, सिर्फ छत लगाई है टीन की। तो उसके नीचे जो उसने फर्श भी ऐसे पक्का किया हुआ है थोड़ा ऐसे, मतलब साइड में कोई दीवार नहीं है, उसको सेंटर में लेंगे क्योंकि वो यूज कर रहा है उस जगह को। अगर कनेक्ट है मेन हाउस से तो गिनना पड़ेगा, अगर कनेक्ट नहीं है मेन हाउस से तो नहीं गिनना है। उसे कनेक्ट है सर, पर उसकी दीवार नहीं है, सिर्फ छत है, वो भी टीन की, हाँ बाहर दीवार नहीं है बाहर। तो भी गिनना पड़ेगा, ओके पर वो हाउस से कनेक्ट होना चाहिए। अगर मान लो कि हाउस से कनेक्ट नहीं है तो उतना जो फसाड़ किया हुआ है आपने, कवर किया हुआ है ऊपर से, उतना ही गिन के उसका एक अलग सेंटर, अलग नक्शा बना के उसको ऊपर अलग कार्यवाही करना पड़ेगा। जी सर, वो टीन और मकान के अंदर ही कवर है, मतलब वो टीन को हाँ दीवार तो वो के अंदर पूरा ही आपका, जोड़ दिया आपको गिनना पड़ेगा। है। ओके सर, ठीक है, हम आगे चले, और कोई क्वेश्चन ना हो तो? चलो सर चलो। तो ये मैं कह रहा था कि आपका जो नॉर्थ है, ठीक है, यहाँ पर एक्चुअल है पर 10 डिग्री ईस्ट पे आ गया, तो यहाँ पर जो 10 लिखा है यहाँ पर मार्क करके हमने यहाँ पर नॉर्थ बना दिया, ठीक है। तो अभी आपको ये नॉर्थ गिनना है, अभी हम ये चक्र है हमको यहाँ से एन लिखा है वो 10 डिग्री पे ले जाना है, तो हमको यह घुमा लेना है यहाँ से, 10 डिग्री पे आ गया। अभी जो एक्चुअल जी हमारा नॉर्थ का मार्किंग है वो लेफ्ट साइड यहाँ पर है, तो यहाँ से एक मार्क किया और राइट से यहाँ पर, ये दोनों मार्क करके वापिस मैंने यहाँ पर एन लिख दिया, तो ये हमारा हो गया नॉर्थ। अभी आपको क्या करना है, स्केल लेना है और जो दोनों लाइनें हमने बनाई है वो सेंटर में टच करवा देनी है ऐसे और ऐसे। सर, एक्चुअली ये अभी क्या क्या समझा नहीं, मतलब कितना डिग्री लिया और क्यों लिए? हमने सपोज किया 10 डिग्री ईस्ट, ठीक है, कैसे लिया वो कोई अभी हमारे पास जगह नहीं है क्लियर, मैं बाद में बताऊंगा कि नॉर्थ कैसे लेते हैं, पर अभी हमने सपोज किया कि 10 डिग्री ईस्ट पे ये प्रॉपर्टी है, ठीक है, तो हमने एक्चुअल नॉर्थ यहाँ पर हो रहा है उसको 10 डिग्री ईस्ट पे घुमा लिया, ये आपने देखा। यहाँ पर एक्चुअल नॉर्थ था, यहाँ पर 10 डिग्री है, तो 10 डिग्री के बाहर मैंने नॉर्थ का मार्क कर दिया, ठीक है, फिर ये चक्र को मैंने 10 डिग्री घुमा दिया, ये नॉर्थ यहाँ पर आ गया।
फिर मैंने ये नॉर्थ का जो पोर्शन है लेफ्ट साइड और राइट साइड, ये दोनों को यहाँ पर मार्क कर दिया है। फिर हमने सर ये इस दोनों लाइन सेंटर में टच कर दी। सर अगर इसको घुमाए ना और सीधा 20 डिग्री को कर दे, 10 के बाद 20 को कर दे, तो भी तो बात एक ही आएगी। बात ये कि आएगी, पर वो कॉमन पीपल के लिए अंडरस्टैंडिंग नहीं रहेगा। अगर आप ऐसा कर सकते हो तो कर लेना, वो कोई दिक्कत नहीं है, वो आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए। सर इसको घुमाएंगे क्यों? मान लो सेंटर में खड़े होके नॉर्थ निकालना है, नॉर्थ निकाल के नॉर्थ पे इसको रखना है, तो घुमाएंगे हाँ, क्यों सर? वो 10 डिग्री टिल्ट हो अगर दस जाती डिग्री टिल्ट हो रहा है ना मैडम, अगर आपका कंपास में 10 डिग्री टिल्ट बता रहा है, तो मेरे को एग्जैक्ट नॉर्थ 10 डिग्री टिल्ट तो करना पड़ेगा ना, तभी मेरा एक्चुअल तो नॉर्थ आएगा सर, ना। तो जो ये जो मैम पूछ रहे हैं, तो पूछ रहे कि मतलब 10 डिग्री टिल्ट हो रहा है, तो उस 10 डिग्री हमें तो जगह पे सर हम 0 डिग्री कर देंगे ना, नॉर्थ एग्जैक्ट कर देंगे। नहीं, हाँ, अभी यहाँ पर आपका 0 डिग्री आ गया ना, वही मैं बोल रहा हूँ ना, अभी वो घूम कंपास गया, में ठीक हम मैं है, बोल रहे हाँ कि ये घूम गया, सॉरी। स्टार्टिंग से ही 0 डिग्री से ही कर देंगे। ऐसे करने का मतलब स्टार्टिंग से जरूरत नहीं है ना, 0 डिग्री पर मतलब। वो पहले कंपास रख के वैसे बताओ ना, वैसे समझ में आएगा। सर हाँ बोलिए। हाविन सर, हाय, हाउ आर यू यस फाइन, बोलिए। सर। ये हम जब कोई भी प्रॉपर्टी में जाते हैं तो कंपास लेके जाएंगे, उसमें देखेंगे ना कि ईस्ट में किस किस डायरेक्शन में आ रहा है हमारा नॉर्थ, फिर हम मैडम ये टिल्ट वो करेंगे। हाँ प्लीज हाँ 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 वही बता रहा हूँ। करेक्ट अभी मी इफ आई अभी एम हमने, रॉन्ग। हाँ अभी हमने सपोज किया है मैडम, समझो आप, सभी लोग समझो आप। अभी मैंने सिखा ही नहीं है कि नॉर्थ कैसे ले रहा है, लेते हैं हम, ठीक है। अभी मैंने सपोज करा है कि 10 डिग्री ये ईस्ट पे प्रॉपर्टी आ रही है, तो उसके हिसाब से कैसा कैलकुलेशन हो रहा है वो मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ। उसके बाद मैं सिखाऊंगा कि नॉर्थ कैसे ले रहे हैं हम, अगर फोन से ले रहे हैं तो कैसे लेंगे, या तो हमारे पास कंपास से कैसे लेंगे, वो सब मैं उसके बाद सिखाऊंगा। सर आप इसके बाद बताएंगे कि 10 डिग्री नॉर्थ कैसा हम देखेंगे कंपास में। प्लीज हाँ करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। यस ओके यस यस ओके ठीक है। तो अभी ये दोनों लाइन हमने सेंटर पे टच कर दी। अभी वापस हम ये कंपास को इधर रखेंगे, सेंटर टच कर देना है, नॉर्थ टच कर देना है, ये दोनों लाइन आ गई। अभी आपको जो 16 दिशाएं आप सीखे हो वो सबका मार्किंग कर देना है। यहाँ पर देखो नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट लिखा है, तो ये लेफ्ट वाली लाइन तो हमने मार्क कर दिया है, राइट वाली जो है लाइन उसको मार्किंग बाकी है, तो यहाँ पर एक और मार्क कर देंगे राइट वाला। फिर आ गया आपका नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट, उसका मार्किंग कर देंगे, सॉरी नॉर्थ ईस्ट। फिर आ गया सोनाली ईस्ट प्लीज नॉर्थ म्यूट ईस्ट, योर सेल्फ। यहाँ पर फिर आ गया आपका ईस्ट। वैसे आपको सब मार्किंग ऐसे करते जाने हैं। दिख रहा है आपको सब मार्किंग, और वो सब आपको ज्वाइन कर लेना है सेंटर तक। सर सोनाली को म्यूट करिए ना सर, आवाज नहीं आ रही है। पर्सनल कोई बाजू में बैठा है, या तो घर पे बैठे हो और बात कर रहे हो, तो आपको देखना पड़ेगा कि म्यूट खुला है कि बंद है। अगर खुला है तो फिर म्यूट कर सकते हो ना आप। अभी ये सब ड्राइंग कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो आप, कि कर रहे हैं सर, कर रहे हैं खाली मैं ही कर रहा हूँ? जी। सर कंपास नहीं है सर। तो वही बोला था ना आपको, कंपास लेके आना। हाँ सर ऑर्डर किए हैं, आया नहीं है अभी तक। अच्छा, वो तो रिकॉर्डिंग में फिर देख लेना आप। सर ये रिकॉर्डिंग रहेगा ना, क्योंकि हाँ, अभी रहेगा ना। मैं, हाँ तो क्योंकि मैं तो इंडिया में नहीं हूँ, तो मेरा कंपास आने के लिए बहुत टाइम लगेगा। हाँ, रहेगा, रिकॉर्डिंग रहेगा। ओके ओके सर।
सर आपसे एक रिक्वेस्ट थी, आपके पास अगर कोई ये रहेंगे ना ऑटोक्रेट वाला कोई अगर मैप होगा तो आप हमें सिर्फ वो दिखाइएगा ताकि हमें पता चले कि वो किस किस हिसाब से, लाइक ग्राफ में और ऑटोक्रेट में तो 100% चेंजेस रहते हैं, बट वो थोड़ा आइडिया हो जाएगा। हाँ हाँ वो दिखा दूंगा। हो गया ऐसा आपका सबका? अभी हमको जो भी डायरेक्शन हमको मिले हैं उसके नाम लिख देने हैं। सपोज कि हमने, ये हमारा नॉर्थ आ गया है, ठीक है, तो यहाँ पर एन लिख दिया, ये नॉर्थ ईस्ट है तो ये नॉर्थ ईस्ट, अरे एन एन ई है तो एन एन ई लिख दिया, ये नॉर्थ ईस्ट है, ईस्ट नॉर्थ ईस्ट, साउथ साउथ ईस्ट छूट गया, साउथ सॉरी। साउथ ईस्ट छूट गया आपका, अरे एच एच हाँ ए। मेरे को लगा थोड़ा छूट है, नहीं अभी भी छूट गया है। हाँ हो गया, दिख रहा है आपको? इस तरीके से आपका पूरा ग्राफ हो जाएगा और आपको जो भी जोन है आपके 16 वो सब आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। इसमें कोई डाउट? नो सर, क्लियर है। और फिर अभी आपको देखना पड़ेगा कि आपके कौन सी चीज कहाँ पर रखी है। सपोज कि हम यहाँ पर किचन की बात कर ले, तो किचन का गैस स्टोव आपका कौन से जोन में आ रहा है? वैसे वेस्ट, मतलब वेस्ट, वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट में, ठीक है। फिर हम सपोज देखें कि टॉयलेट, टॉयलेट सीट कहाँ पर लगी हुई है? वेस्ट साउथ वेस्ट हाँ। फ्रिज कहाँ पर है? नॉर्थ टीवी कहाँ पर है? साउथ ईस्ट ईस्ट। साउथ ईस्ट। तो इस तरीके से आपको फिर देखना है जो भी आप सीख रहे हो उसके हिसाब से, और फिर ट्रीटमेंट या फिर जो भी वगैरह है वो आप जो भी सीखोगे क्लास में उस तरीके से आपको वास्तु कंसल्टिंग करना है। फिर अभी आप यहाँ पर जो एंट्री देख रहे हो, एंट्री के लिए हमें अभी हमने 16 जोन बनाए, वैसे ही एंट्री के लिए आपको 32 जोन बना के देखना पड़ेगा। तो इसमें आपको क्या करना पड़ेगा? इसे एंटर कर लिया, ये नॉर्थ आ गया, ये एग्जैक्ट आपको एंट्री दिख रही है? नॉर्थ नहीं हुआ सर, एन आना चाहिए ना हाँ, उधर। ये आपको जो नॉर्थ की एंट्री दिख रही है ना, नीचे दिख रहा है। तो सब जोन को आप बीच में से काट लोगे ना तो सब आपको एंट्रियां मिल जाएगी। देखो ये नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट आ गया है हमारा, ठीक है। तो ये यहाँ पर N6 और N7 है, तो यहाँ पर एक मार्क कर देना है बीच का, नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट है, ऐसे मार्क कर देना। तो ये N7 की एंट्री है ऐसे बता रहे हैं ना? यस सर, N7 की एंट्री आ रहा है, तो ये नेगेटिव देख लेते हैं एंट्री ना है। वो पूरा
एंट्री का एक हमको देखना है खाली, तो खाली हम NNE नॉर्थ ईस्ट NNE में एंट्री आ रही है तो उसके ही दो पार्ट करेंगे, तो हमको पता चल जाएगा कि कौन से जोन में आ रही है। और आपको पता है कि NNE में कौन सी दो एंट्री आ रही है, तो आपको यहाँ पर मार्किंग कर देना है कि N6 और N7 आती है NNE में, तो ये N6 हो गई और ये N7 हो गई, तो हमारी जो एंट्री पड़ रही है वो N7 की एंट्री है, तो उसके हिसाब से आपको प्रिडिक्शन करना है कि ये गलत है सही है, क्या करना है क्या नहीं करना जी है। ये तो समझ में आ गया सर। ठीक है, हम चालू करें हम डिग्री नॉर्थिंग का। हाँ जी सर। जी सर। जी सबसे पहली चीज, जब भी आप नॉर्थ डिग्री लेते हो तो आपको आपके फोन से कभी भी लेनी नहीं है, ठीक है? क्योंकि जो भी फोन का कंपास है, अगर आपके पास आईफोन है तो उसमें आप ले सकते हो, पर आईफोन में एक सेटिंग आपको अंदर जाके सेटिंग में से करना पड़ेगा, पर अगर आपके पास एंड्रॉयड फोन है तो उससे आप नॉर्थ डिग्री नहीं ले सकते, क्योंकि अभी तक का जो भी हमारा एक्सपीरियंस है उसमें जो भी एंड्रॉयड फोन हम यूज करते हैं और वहां से हम डिग्री लेते हैं तो वो डिग्री हमेशा रॉन्ग बताता है, तो इसलिए हम रिकमेंड करते हैं कि अगर आपके पास एंड्रॉयड फोन है तो वहां से आप नॉर्थ डिग्री मत कैलकुलेट करो, सर और आईफोन अगर से आपके कैसा पास करेंगे सर? आईफोन आईफोन है तो उसके ने सेटिंग सेटिंग में, बताइए। आपको सेटिंग में जाना है, आपको लिखना है तो लिख सकते हो, आईफोन के सेटिंग में जाना है, उसमें आपको कंपास में जाना है, और कंपास में जाके एक ऑप्शन धीरे होता सर है धीरे, वहां वन पर सेकंड धीरे। ट्रू नॉर्थ करके, वो ट्रू नॉर्थ का ऑप्शन आपको ऑन कर लेना है, कंपास में तो जाना वो है ऑप्शन फिर? ऑन करने से हाँ जो भी कर आपका दिया। लोकेशन है उसके हिसाब से वो आपको नॉर्थ डिग्री परफेक्शन में देता है। सर सॉरी, एक बार प्लीज एक्सप्लेन करेंगे, मेरा फोन कट गया था। अभी मैं एक एग्जांपल आपको दे रहा हूँ, इसमें शेयर का ऑप्शन है। स्क्रीनशॉट भेजियो सर, गूगल से कैसे देखेंगे बताइएगा ना उसका भी। हाँ, पर मैं ये ढूंढ रहा हूँ कि मोबाइल से मेरी स्क्रीन क्यों शेयर नहीं हो रही। ग्रुप में मैंने स्क्रीन शॉट भेज आ दिया गया आ है, स्क्रीन गया आ गया। रिकॉर्डिंग भेजा है। वो दिख रहा है मेरा स्क्रीन? यस हाँ सर। ये एक आईफोन का कंपास है, ठीक है? अभी मैं मेरी ऑफिस में बैठा हुआ हूँ और मैं नॉर्थ डिग्री कैलकुलेट कर रहा हूँ, तो कैसे करनी है? तो आपने जैसे ही कंपास खोला, ठीक है, उसको स्टेबिलाइज किया, तो आपको दिख रहा है 32 नॉर्थ ईस्ट लिखा हुआ, तो इसका मतलब क्या है कि आपकी नॉर्थ
32 पे है, और कौन सी साइड पे घुमा हुआ है? वेस्ट साइड, वेस्ट साइड, लेफ्ट वेस्ट साइड घुमा वेस्ट हुआ है, में, लेफ्ट साइड, वेस्ट, वेस्ट, लेफ्ट साइड घुमा है तो मतलब वेस्ट साइड घुमा है। अगर आपका नॉर्थ ईस्ट साइड घुमा होता तो डिग्री आपकी ईस्ट साइड घूमती। अभी यहाँ पर वेस्ट साइड घूम रहा है तो 32 डिग्री आपकी नॉर्थ वेस्ट साइड पे टिल्ट हो रही है। अगर ये ऑप्शन होता जैसे मैंने आपको जो ग्राफ पेपर में बताया था, ये क्या हो गया आपका, ईस्ट साइड पे टिल्ट हो गया। हेलो, जी सर, यस सर, और कितना हो गया, 350 हो गया, ठीक है। तो अगर आपका ईस्ट डिग्री पे टिल्ट हो रहा है तो जितना भी कैलकुलेशन आता है वो 36 में से माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि पूरा जो राउंड होता है वो 36 डिग्री का होता है, 360 डिग्री का। 360, सॉरी, 360 का। मतलब 350 आ रहा है तो इसमें माइनस करना है हमको कुछ 360 माइनस 350, 360 माइनस 350 करना है। हाँ जी ओके, सर। 10 डिग्री सर किधर लेना होगा फिर? 10 डिग्री टिल्टेड है, ईस्ट पे ईस्ट की लेना तरफ होगा, ईस्ट की तरफ। जैसे मैंने आपको सिखाया था जो ग्राफ पेपर पे। अगर ऐसी सिचुएशन आ गई, 350 नॉर्थ लिखा है आपने, यहाँ पर कंपास में दिखा रहा है, तो मतलब आपका टिल्टेड ईस्ट पे हो रहा है, और कितना हो रहा है तो 360 माइनस 350, तो आपका टिल्टेड ईस्ट में 10 डिग्री हो रहा है। अगर आपका टिल्ट वेस्ट में हो रहा है तो कोई आपको माइनस प्लस करने की जरूरत नहीं है, वो सीधा सीधा ही बता देता है। पर अगर आपका डिग्री टिल्ट ईस्ट में हो रहा है तो आपको 360 से माइनस करना पड़ेगा। लाली धीरज नहीं है क्या? सॉरी, सर जो लोग एंड्रॉइड यूज कर रहे हैं उनके लिए क्या? वो मैं सिखा रहा हूँ। सर एप्पल वाले फोन में भी ये एप्पल के बोल रहा हूँ, एप्पल में देखो, मैं एक चीज बताता हूँ कैसे सेटिंग आपको ऑन करना है। ये सेटिंग पे आप गए, ठीक है, नीचे स्क्रॉल करके कंपास पे चले जाना है। ये कंपास दिख रहा है आपको, कंपास पे आ गए, यहाँ पर क्या लिखा है, यूज ट्रू नॉर्थ लिखा है। ये यूज ट्रू नॉर्थ आपको ऑन रखना है, जी सर। ये ऑन रखोगे तभी आपका कंपास वर्क करेगा प्रॉपरली, वरना आपका कंपास वर्क नहीं करेगा। ये मैंने बताया खाली आईफोन के लिए। अब और एक एग्जांपल दे रहा हूं, सपोज कि ये सिचुएशन है तो इसमें क्या आपको लग रहा है, कितना डिग्री टिल्ट है और कहाँ पर है? 17 डिग्री वेस्ट, वेस्ट। राइट। तो सर ये सेंटर में जाके इसको करना है ना? हाँ, सेंटर में जाना, जाके ही देखना है इसको। इस सिचुएशन में सर 20 डिग्री ट्वेंटी ईस्ट डिग्री में, ईस्ट, ईस्ट में ट्वेंटी कितना डिग्री, ट्वेंटी डिग्री ट्वेंटी राइट। अभी बताओ। सर 30 डिग्री नॉर्थ वेस्ट वेस्ट में टिल्ड तो ये कंपास देखना है। आपको आ गया सबको, क्या सर सर मुझे नहीं yes, समझ में आ रहा है ये। नहीं समझ आ रहा है? सर ये आप क्या 30 डिग्री वेस्ट और ये क्या, यहाँ पे 30 डिग्री नॉर्थ ईस्ट बता रहे हैं तो फिर वेस्ट क्यों बोल रहे हैं? मैडम 360 डिग्री में से लेस कर लो ना, वो तो वेस्ट में समझाता हूँ नहीं, फिर मैं, वेस्ट में जाने में तो माइनस पहले से करना नहीं समझाता हूँ बताए ना लोगों को, सर। सार समझाएंगे, रुक जाओ। सपोज कि आपने कंपास खोला, राइट, आप ध्यान से सुनना, कंपास आपने खोला और आपको ऐसा दिखा रहा है, ठीक है, तो आपको क्या दिख रहा है, 29 डिग्री नॉर्थ ईस्ट दिख रहा है, हाँ 29 डिग्री नॉर्थ ईस्ट दिख रहा है। हाँ। पर एक्चुअल में आप जो ऊपर की साइड जो नॉर्थ का एरो है रेड कलर का, वो देखिए, यस वो होना चाहिए कहाँ पर, एग्जैक्ट जो
आपका जो एक एक लाइन दिख रही होगी आपको स्ट्रेट ऊपर, के निशान हाँ के ऊपर थर्टी से, के पास, 30 के हाँ ऊपर, राइट जो 30 लिखा है वहां पर होना चाहिए एक्चुअल, ठीक है। राइट पर ये घूम रहा है कहाँ पर, वेस्ट की साइड घूम रहा है, हाँ वेस्ट की साइड घूम रहा है, आपको दिख गया क्योंकि स्ट्रेट लाइन पे होना चाहिए, पर जो रेड है नॉर्थ वो घूम रहा है वेस्ट की साइड, ठीक है। तो हाँ जो वेस्ट साइड घूम गया मतलब आपका 29 डिग्री वेस्ट आपका टिल्ट है, ओके ओके, तो उसको हम लोग 29 डिग्री वेस्ट बोलेंगे, हाँ वो नॉर्थ ईस्ट नहीं बोलेंगे। ओके और ओके, अगर सपोज आपने कंपास खोला और आपकी सिचुएशन ऐसी हो गई, तो इस टाइम पे आपको क्या करना है, आपको दिख रहा है नॉर्थ किधर चला गया, राइट हैंड साइड में ईस्ट की हाँ तरफ, ईस्ट साइड की तरफ चला गया, तो राइट आपको क्या करना है, अगर नॉर्थ ईस्ट साइड पे चला जाता है तब आपको 360 माइनस जो भी आपको नीचे वैल्यू दिख रहे है वो करना है। ओके, तो मतलब तो 20 डिग्रीज हाँ तो ईस्ट, 20 डिग्री आपका नॉर्थ ईस्ट साइड पे टिल्ट है ओके समझ सर। अगर और रहे हैं, साउथ वेस्ट, अगर साउथ तो वेस्ट इसमें दिखा रहा है ट्वेंटी थ्री दो सौ लिखा हुआ है चालीस तो हम लोग 20 डिग्री क्यों माइनस कर रहे हैं, सॉरी कहाँ इसमें 23 लिखा हुआ है नीचे, तो पर 23 लिखा हुआ, बॉटम में 340 के नीचे 23 वो लिखा है तो ना, मैडम वो है ना लॉन्जिट्यूड लेटिट्यूड होता है, लैटिट्यूड, जहां पर आप खड़े हुए हो ना वहां का अक्षांश एग्जैक्ट रेखा है ये सब, लोकेशन होता है, उस पे आपको नहीं जाना है तो तो ये एक बार ट्वेंटी साउथ, सर कैसे देखेंगे हम लोग फिर सर, ये 360 माइनस 340 करना है। अच्छा, अगर ओके ईस्ट में टिल्ट हो रहा है तो 360 माइनस जो भी यहाँ पर वैल्यू आ रही है वो माइनस कर देंगे। सपोज कि आपका वैल्यू इतना आ गया, ठीक है, 330 आ गया, तो आपको 360 माइनस 330 करना है, तो कितना हुआ, थर्टी थर्टी, तो आपका ईस्ट नॉर्थ ईस्ट डिग्री पे तीस लेकिन सर ये तो नॉर्थ वेस्ट डिग्री पे दिखा रहा है, टिल्ट है ईस्ट साइड पे। ईस्ट सर एक साइड बार 30 डिग्री टिल्ट है, वो ऐसा आप कह आपको रहे नहीं हैं ध्यान रखना, सर नॉर्थ प्लीज एक बार वेस्ट दिखा साउथ रहा है ना, वो नहीं साउथ ध्यान रखना है, वो सर क्या एक बार होता है, वो साउथ कंपनी वेस्ट, का मैप होता है, वो बताता है कि ये नॉर्थ वेस्ट पे आप खड़े हो, वो बता दो ओके सर। एक बार साउथ वेस्ट 243 करना है, एक बार इसको टिल्ट, साउथ वेस्ट 243 43। हाँ बोलिए। अब इसमें सर हमारी जो वैल्यू आएगी 117। ऐसे आपको देखना ही नहीं, आप कंफ्यूज क्यों हो रहे हो, अभी साउथ वेस्ट नहीं आपको दिख रहा है तो आप घूम जाओ ना नॉर्थ की तरफ, ठीक है, इतना कंफ्यूजन क्यों कर रहे हो, आप तो घूम सकते हो ना कोई भी साइड, तो जहां पर आपका 45 से कम आ रहा है वही गिनो ना आप, अच्छा आपको वो ध्यान रखना है कि आपको कौन सी साइड पकड़नी है, कौन से मुंह करके फेस करके रीड करना है, वो खाली ये देखना है कि आपका नॉर्थ 45 तक ही आ रहा हो, मतलब ये देखो यहाँ पर ये 45 तक ठीक है, अगर आपको 46 आ गया है तो आपको साइड चेंज कर लेनी है। और वैसे ही यहाँ पर 315 तक ठीक है, अगर 313 आ रहा है, 310, 39 और 300, तो आपको साइड चेंज कर लेनी है, तो साइड चेंज करके सर, तुरंत आपको समझ आ जाएगी क्या करना है क्या नहीं करना है। साइड चेंज ये करना है जैसे मतलब नॉर्थ वेस्ट की फेस तरफ चेंज दिखा करना रहा है, है, फेस फेस आपका, अगर आप सपोज कि आपका आ गया ऐसा 310 आ गया, राइट, तो आपका जो फेस है वो आपको एक और बार ईस्ट पे मतलब राइट हैंड साइड पे घूम जाना है, समझे आप। अच्छा, समझ गया, नॉर्थ थोड़ा मतलब दस सर बीस फेस तीस के हमेशा अंदर मोस्टली होंगे, नॉर्थ साइड में होना चाहिए, फेस अपना, हाँ वो सही है, फेस अपना जो नॉर्थ है ना वो साइड पे होना चाहिए, तभी आप अच्छी तरह से कर पाओगे। अगर आपने साउथ में फेस करके कंपास खोला तो आपको सही तरीके से डिग्री नहीं मिल पाएगी।
तो आपको फेस नॉर्थ पे रखना है। नॉर्थ वेस्ट साइड घूम जा रहा है तो उसमें क्या करेंगे, जैसे वेस्ट की तरफ नॉर्थ दिखा रहा है? कितना दिखा रहे हैं? नहीं सर, अभी आपका ही जो आप समझा रहे हैं इसमें वेस्ट की तरफ जा रहा है, वो प्लस वाले निशान से नॉर्थ की तरफ चला जा रहा है, वेस्ट हाँ, तो साइड। ईस्ट साइड पे जा रहा है ना मैडम, वेस्ट सो अभी ये साइड पे 51 जा रहा है। टुवर्ड्स ईस्ट होएगा ना, उसमें क्या करेंगे सर? हाँ, तो ये यही मैं समझा रहा हूँ। अगर ये ज्यादा आ रहा है, 315 से ज्यादा आ रहा है आपको, तो आपको ना आपका फेस नॉर्थ पे नहीं है, तो आपको जो फेस है आपका वो नॉर्थ पे, नॉर्थ वाली दीवार पे कर देना है। तो आपको ये इक्वेशन में आपको एक और बार राइट की साइड घूम जाना है, समझ गए? एंड सर ये अभी होएगा 51 डिग्री टू जो टिल टुवर्ड्स ईस्ट ईस्ट अभी करंट सिचुएशन में। नॉर्थ, हाँ 351 डिग्री। सर ये घर के सेंटर से खड़े होके लेना है। हाँ, सेंटर से खड़े होने के लेना है। ठीक है, नहीं सर, अब सर अब जैसे नॉर्थ इधर आया तो तब हम लोग कैसे उससे रीड करेंगे सर, वो चीज क्या बात कर पूछना रहे हो? था। ये सर नॉर्थ वेस्ट की तरफ दिखा रहा है ना जैसे, हाँ, तो हम ये लोग वाला उससे कैसे रीड करेंगे फिर उसको रख के जो आप सिखाए थे, जैसे ये आपको नॉर्थ इधर नॉर्थ, आ गया। आप, मैं सबको बोल रहा हूँ, जो नीचे आपको जो डायरेक्शन दिख रही है ना वो भूल जाओ, हाँ जी नॉर्थ, वो है ही नहीं ओके डायरेक्शन, समझा? ओके सर। हाँ जो नीचे आंकड़े आ रहे हैं ना उस पे ध्यान नहीं रखो। नहीं सर वो नहीं देख रही हूँ मैं, जहां पे एन लिखा है ऊपर रेड रेड दिख गया ना डॉट जैसा कुछ, हाँ उसमें सर जैसे नॉर्थ इधर आ गया ना वेस्ट की साइड, हाँ तो इसको हम लोग वो जो गोल रखेंगे आपका ज्योमेट्री वाला उससे कैसे हाँ, करेंगे अगर वेस्ट की साइड आ गया, ठीक है, 26 सर? पे, तो आपको 360 से 26 माइनस करना पड़ेगा, तो कितना हुआ? 360 से 26 तो सर 334 ऐसा कुछ हो? नहीं 344 हुआ। 334 हुआ होगा सर, नहीं नहीं 30 तो भाई। 334 हुआ, ठीक है। तो देखो, मैं हाँ यहाँ पर ये समझा सर, रहा हूँ, हाँ जी ये आपने सेंटर जीरो ले लिया है, बराबर। थ्री हाँ जी हाँ थ्री जी थर्टी फोर कहाँ पर आ रहा है? थ्री थर्टी फाइव, थ्री थर्टी ओके फोर इधर आ रहा है, ठीक तो यहाँ पर आपको नॉर्थ मार्किंग करना है, सर, और ठीक कोई पूरा कैलकुलेशन पूछना ऐसे कर देना है। यहाँ इसको फिर वापस घुमा के सारे जोन नहीं। हाँ क्रिएट करने हैं आपको, ठीक ठीक है सर, वही पूछना। ठीक है? थैंक यू सर, ओके सर। सर एंड्रॉइड वाले कैसे करें सर? हाँ, एंड्रॉइड के लिए ना मैंने एक लिंक शेयर कर रहा हूँ आपको, गूगल अर्थ करना है क्या? आपके गूगल प्ले स्टोर में ये वाला कंपास आपको डाउनलोड करना है। ये मैं अभी ग्रुप में, मेरे पास आईफोन है तो इसके लिए मेरे पास आईफोन का ही खुल रहा है। ये मैंने ग्रुप में डाल दिया, आप डाउनलोड कर लेना। डिग्री सर सही आएगा हाँ जी, इसका, जो आपने ग्रुप में जो सेंड किया है लिंक, इसकी डिग्री जो आएगी वो सही आएगी, इसको मान सकते हैं हम? हाँ, 100% सही आएगी। फिर गूगल अर्थ या ये एप्पल का जो फोन होता है इसका कोई वो नहीं है? ये आप सब में ले सकते हो, ये यूनिवर्सल है, कोई भी बंदा इससे डिग्री लेगा तो 100% सही आएगी। सर ऐप का नाम ये क्या जो है? अभी स्क्रीन में आ रहा है वो कौन सा एप्लीकेशन है? देखिए एप्पल मैप्स आया हुआ है, ये कौन सा एप्लीकेशन है? अच्छा ये मेरे फोन में चालू हुई ये एप्लीकेशन है, मैंने जो आपको ग्रुप में शेयर किया है। ओ वाओ दिस इज सो ब्यूटीफुल ना। हाँ, ये एप्लीकेशन है, यहाँ से 100% डिग्री श्योर आती है,
तो आपको सबको ये डाउनलोड कर लेना है, और कैसे इसमें से डिग्री निकालना है वो मैं अभी सिखाऊंगा, ठीक है? सर कौन सा ऐप है ये? एक ओरिएंटेशन करके कोई है ऐप, मेरे को एक्चुअली इसका नाम मालूम नहीं है, आप देख लेना ग्रुप में। ओके थैंक सर ये तो मिल नहीं रहा, ये बता रहा है कि दिस ऐप इज नॉट अवेलेबल फॉर योर डिवाइस बिकॉज इट वाज मेड फॉर एन ओल्डर वर्जन ऑफ एंड्रॉइड, ऐसे लिख रहा है। यू। तो फिर मेरे को थोड़ा टाइम देना पड़ेगा क्योंकि एंड्रॉइड का मेरे को कुछ मालूम नहीं है इसमें। अगर आपका वर्जन इसमें इन लोगों ने अपडेट नहीं किया होगा तो शायद नहीं चल रहा होगा। तो ये सर ये आईफोन में क्या ओरिएंटेशन करके नाम है? हाँ ओरिएंटेशन। सर एक प्ले स्टोर में दिखा रहा है ओरिएंटरिंग कंपास करके दिखा रहा है, वो भी जैसा आप दिखा रहे हैं सेम वैसे दिखा रहा है, पर उसको 100K लोग डाउनलोड किए। सर वो सही है क्या? मैं आपको स्क्रीनशॉट भेज रही हूँ ये ग्रुप वाला में। है ओरिएंटरिंग कंपास एंड मैप। सर ये है अवेलेबल प्ले स्टोर में? हाँ तो ये डाउनलोड करना है आपको। अगर मिल रहा है तो उसका लिंक भेजो ना। हाँ मिल अगर किसी को मिला है तो ग्रुप में आप लिंक शेयर कर दो। वो सर महंगे वाले फोनों में तो चल रहा है, हाँ सैमसंग सर वालों में। सेंडिंग। और प्ले स्टोर खोलो क्या? आपका ओल्ड फोन है क्या? ये जो भी ओल्ड ओल्ड फोन डाउनलोड। में चल रहा है, न्यू फोन में नहीं चल रहा है वो। हाँ वही है, ओल्ड फोन पे चल रहा है। न्यू फोन के लिए वो ऐप प्रेजेंट ही नहीं बोल रहा हाँ ओल्डर वर्जन अवेलेबल है करके बता रहे। है। मेरा तो रियलमी का फोन है। तो आप अरे कोई अगर कोई टेक 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 के बारे में अगर कोई जानता सर है अभी अभी और एपीके अगर दे देता किसी हूँ, को, अभी एपीके हाँ बस एपीके डाल देना ग्रुप में तो सब में चल जाएगा। डाल देता हूँ सर। अभी सर गूगल ऐप से भी तो डिग्री ले सकते हैं, एंड्रॉइड में ले सकते हैं क्या? एंड्रॉइड मोबाइल वाले तो वो फिर फोन में ले नहीं ले सकते, इसके लिए आपको डेस्कटॉप लैपटॉप में जाना पड़ेगा। वो उसी से ले सकते हैं, उसी से चलता है वो। हाँ ओके सर। सर तो उससे भी और सिखाएंगे ना नहीं गूगल मैप से। अच्छा गूगल अर्थ से डिग्री लेना है ना तो पहले आपको ऑटोकैड सीखना पड़ेगा। ओ ये जो मैं सिखा रहा हूँ वो ग्राफ पेपर पे आप नक्शा बनाओगे उसके लिए सिखा रहा हूँ, सर ये डिग्री गलत तो नहीं होगा ना? नहीं गलत होगा। ओके जो अभी लिंक भेजा है आपने ठीक अभी आप रहेगा सीख लो वैसे क्योंकि भी। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, तब तक आपका कोई एपीके भेज दे और आप में इंस्टॉल हो जाए तो बढ़िया है। फिर ऑटो कैड का भी आप बताओगे बाद में? हाँ ऑटोकैड को फिर टाइम रहेगा तो फिर थोड़ा बहुत बता देंगे, वो नहीं डॉक्टर मतलब साहब से इसमें पूछ कैसे लेंगे। खोलना है, इसमें कैसे खोलना, क्योंकि मेरे को आता है ऑटो कैड, तो इसमें कैसे खोलना है वो बताएंगे आप? ऑटोकैड में आता है ना वो, तो मैं 5 मिनट का मैं बता दूंगा कैसे करना है। वो गूगल हाँ में क्या ठीक करना है, आपको लोकेशन जो भी है ना, हाँ सपोज कि हाँ आपका ये बिल्डिंग है, ठीक है? ये जो बड़ा बिल्डिंग दिख रहा है आपको उसका हाँ स्क्रीनशॉट ले लेना है गूगल ओके से, और वो स्क्रीनशॉट ऑटोकैड में इंपोर्ट करना है, और उसका जो एंगल है वो 0 डिग्री पे बनाना है, और एक जो बिल्डिंग का लाइन है वहां पर बनाना है, और उसका एंगल चेक करना है कितना एंगल आ गया। जितना एंगल है उतना आपका डिग्री निकल जाएगा। ओके ठीक है। फिर भी आप एक बार 5 मिनट का एक हल्का सा डेमो दिखा दीजिएगा। हाँ हाँ कोई भी मैं बता दूंगा। अभी आप थैंक यू। ये समझ लो, ये हाँ आपने एप्लीकेशन चालू किया, ठीक है? अब आपको क्या करना है, आप खड़े हो आपके घर पे, ठीक है? तो आपको यहाँ पर एक सैटेलाइट का ऑप्शन दिख रहा है नीचे से, चौथा दिख रहा है, नीचे से चौथा जी जो मैंने ऑन करा यहाँ पर नीचे एक ब्लू कलर का डॉट आ गया, उसको ऑन करना है। वो क्या करेगा कि जहां पर आप खड़े हो वहां पर आपको ले जाएगा, और वहां से आपको डिग्री दिखाएगा।
अभी सपोज ये लॉक बंद होता है और लॉक चालू होता है, तो अभी हमको लॉक खोल देना है, तो हम इजी तरह से यहाँ पर मूव कर सकते हैं। अगर ये लॉक कर दिया तो हम मूव नहीं कर सकते, खाली जूम इन जूम आउट ही कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे हम ये सैटेलाइट पे दबाएंगे तो हमारा ये ब्लू कलर का डॉट जो कंपास के बीच में है वहां पर आपको ले जाएगा जहां पर आप खड़े होंगे, फिर आपको ये लॉक खोल कहाँ देना पे है, तो आप सैटेलाइट, सॉरी कहाँ पे इसी आपने ये तरीके से ब्लू मूव कर सकते हैं। हाँ जी, सर, सैटेलाइट का आपने कहाँ बताया, कहाँ से करना है, कौन सा ये दबाना नीचे से आपको चौथा ऑप्शन दिख रहा है सैटेलाइट का, है? हाँ, ये आपको दबा, ठीक है, ओके। ये दबाते ही आप जहां पर खड़े हो वहां पर आपको ले जाएगा, ठीक है। फिर आपको ये लॉक खोल देना है, ये लॉक खोल देना है, ठीक है। अभी ये बिल्डिंग है हमारा, सपोज ये जो दिख रहा है आपको बीच की जो लाइन है उसके नीचे जो बिल्डिंग दिख रहा है, ये बिल्डिंग पे अभी मैं हूँ, ठीक है। तो इसका नॉर्थ हमको चेक करना है, तो पहले ही आपको जो ये नॉर्थ का लाइन दिख रहा है ना ऊपर से नीचे तक बड़ा सा लाइन, जी ऊपर एक एरो बना हुआ है और नीचे जो 10 लिखा हुआ है वो दिख रहा है लाइन, वो लाइन आपको ध्यान में रखना है। और बिल्डिंग का कोई भी बड़ा सा एक साइड पकड़ना है, ठीक है, समझ आ रहा है? हेलो, बड़ा सा मतलब उस फिर से बताएं। फिर से समझाता हूँ। सपोज कि ये बिल्डिंग का मेरे को नॉर्थ निकलना है, राइट। तो मेरे को यहाँ पर जो नॉर्थ का लाइन दिख रहा है बड़ा सा, ऊपर एक एरो बना हुआ है और नीचे 10 लिखा हुआ है, कंपास के तुरंत ऊपर जो लाइन बना है ना बड़ा वाला सीधा लाइन हाँ व्हाइट कलर का, वो लाइन ध्यान में रखना है। और मेरी जो बिल्डिंग है उसकी कोई भी बड़ी सी लाइन उसको मैच कर देनी है, जैसे कि ये मेरी बिल्डिंग है, मैंने ये जूम किया, ये मेरी बिल्डिंग आ गई, और सपोज कि ये बिल्डिंग की लाइन है, तो बिल्डिंग की लाइन और मेरी ये वाइट लाइन जो है वो मैंने यहाँ पर मैच कर दी, हो गई मैच मेरी, हो गई। ठीक है। तो आपको नीचे दिख रहा है 358, हाँ जी, ठीक है। 358 मतलब आपका क्या हुआ, 360 नॉर्थ होना से चाहिए ना, हाँ 360 होना दो दो चाहिए, आगे डिग्री आप, कम है, दो दो डिग्री वेस्ट, हाँ ईस्ट पे आता है, वेस्ट पे नहीं ईस्ट आता, पे। हाँ हाँ सॉरी, हाँ सॉरी, दो हाँ दो डिग्री डिग्री ईस्ट ईस्ट। हाँ ईस्ट पे बिल्डिंग आपका 2 डिग्री ईस्ट पे टिल्ट हो गया, ये 100% आपका एक्यूरेसी हो गया। और सपोज अभी हम कोई और बिल्डिंग ले लेते हैं, सपोज की आगे चले जाते हैं, ये बिल्डिंग ले लेते हैं, ठीक है। तो ये तीनों बिल्डिंग आपको दिख रहे हैं, तो इसकी ठीक यहाँ पर आप हमने मैच कर दी, कितना आ गया, है, ये भी सर ए 1 डिग्री 1 डिग्री टिल्ट। टिल्ड ईस्ट पे। तो सर ये बड़ा पार्ट ही अपन क्यों लेंगे, ऐसा क्यों करेंगे? फिर छोटा पार्ट दिखेगा नहीं ना गूगल में ऊपर मकान तो का, सर वो सिर्फ नॉर्थ लेने के लिए हमें ऐसा करना है बस? हाँ ओके। क्या वो लोकेशन में जाके आप प्रॉपर ये वाला मैप यूज कर सकते हैं? हाँ आप पर आपको वो ध्यान रखना पड़ेगा कि आपका जो बिल्डिंग है वो गूगल में एक बार देख लेना पड़ेगा कि वो और यहाँ पर का बिल्डिंग मैच हो रहा है कि नहीं, क्योंकि यहाँ पर ये लोग ना ऑप्शन नहीं दे रहे सर्च के लिए, समझे आप। तो अगर आप लोकेशन अगर पे हो तो ही आप यहाँ से निकाल सकते हो, अगर आप लोकेशन पे नहीं हो तो ये एप्लीकेशन से निकालना बहुत मुश्किल पड़ जाएगा। तो सर फिर तो कैसे सर करेंगे? लैटिट्यूड लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड हम अगर मैन्युअली डालें तो?
नहीं, इसमें ऑप्शन ही नहीं दे रहा है ना सर्च का। ओके तो सर फिर कैसे करेंगे अगर लोकेशन नहीं दिखाएगा तो? समझा नहीं। सर आप बोले ना कि अगर इसमें गूगल में अगर वो लोकेशन आएगा जहां हम जाएंगे, अगर वो आएगा तो ही दिखाएगा, अगर वो नहीं, लोकेशन नहीं मैं वैसा दिखाया। नहीं बोल रहा हूँ, समझे नहीं आप। मैं क्या बोल रहा हूँ कि आप, आपको नॉर्थ निकलना है ना, तो आपको जिस जगह का नॉर्थ निकालना है वहां पर जाना पड़ेगा, अच्छा और वहां पर जाके ये एप्लीकेशन खोल के फिर आपको नॉर्थ लेना पड़ेगा। मतलब ओके ब्रह्मस्थान ओके में हाँ खड़े होके आप बोल रहे हो, राइट? ब्रह्मस्थान में खड़े होगे, या तो आप बिल्डिंग में भी खड़े होके ये नॉर्थ ले सकते हो। पूरी बिल्डिंग का नॉर्थ एक ही होता है, सेम ही होता है, उसमें सर भले चाहे बिल्डिंग का 500 नॉर्थ फीट हो नहीं, पर उसका नॉर्थ सेम ही होता है। समझ लेकिन सर गए? फ्लैट सॉरी, का तो फिर अलग हो जाएगा। हाँ सर फ्लैट्स का तो सर अलग हो जाएगा, एंटर वगैरह तो है ना, मैं वही एंट्री बोल रहा वगैरह हूँ, अगर जैसे। एक बिल्डिंग है, सपोज 10 माले की बिल्डिंग है और हाँ एक जी माले पे 4 फ्लैट है, राइट? हाँ जी तो एक 10 माले का बिल्डिंग है और एक एक माले पे 4 है, तो मतलब 40 फ्लैट हो गए। तो वो 40 फ्लैट का नॉर्थ टिल्ट एक ही होगा, तो जितना ये सर छत में जाके भी ले दसवें सकते वाले हैं? का होगा उतना ही पहले माले का होगा, वो चेंज नहीं नहीं सर ये आएगा। छत में जाके भी ले सकते हैं सर, सेंटर हाँ में ले खड़े हो सकते, ले सकते। तो। पर ये तो पूरे ठीक है, कंपाउंड का आएगा ना, जैसे एक पूरा कंपाउंड होता है उसमें 5-6 विंग्स होते हैं, ये तो हाँ, तो फिर वो वैसे विंग आएगा। के भी, हर विंग के हिसाब से होता है। अगर विंग अलग हो गया तो उस विंग का भी अलग डायरेक्शन निकल सकता है, 1-2 डिग्री का चेंज आ सकता है। पर इसमें सर घर कंफ्यूजन के भी अंदर होगा से भी थोड़ा ले सा। सकते हैं ना सर, हाँ ले सकते, ले सकते, 100% घर ले के सकते। अंदर में जाके अपन खड़े होके देख सकते हैं हाँ, ले सकते हैं ना। सर। ये हम बिल्डिंग का नॉर्थ क्यों ले रहे हैं, मतलब अगर हम फ्लैट का इंटीरियर कर रहे हैं? तो नॉर्थ किसका लेना चाहिए आपके हिसाब से? नहीं, मतलब पूरी बिल्डिंग का जो आप नॉर्थ ले रहे हो तो उसका मैं पूछ रही हूँ कि वो फ्लैट के हिसाब से हम कैसे उसको कनेक्ट करें, दीवार के हिसाब से हम देखें कि ये नॉर्थ, मतलब मैं कैसे समझाऊँ? मैं समझ नहीं पा रहा आप क्या बोल रहे हो एक्चुअली। नहीं सर वो कई मैं बार क्या एक होता एक है ना और सर, क्लियरिटी कर देता हूँ, मैं समझ गया आप क्या बोलना चाह रहे हो। ठीक है, सपोज कि एक मेरा ये कागज दिख रहा है आपको, स्क्रीन नहीं दिख रहा आपका, स्क्रीन मेरा नहीं दिख रहा है? मोबाइल अरे का वहां पे स्क्रीन दिख रहा है, डबल क्लिक कर दो, आ जाएगा बीच में। पिन करो अगर ना सर। हाँ दिख रहा है सर। अगर सपोज कि आपका ये बिल्डिंग है, राइट, यहाँ पर आपकी सीढ़ी आ गई, ये आपका पैसेज हो गया, यहाँ पर आपकी लिफ्ट आ गई। सर नहीं दिख रहा है आपका स्क्रीन, आपका कैमरा ऑफ दिखा रहा है। नहीं दिख रहा है ना, डबल दिख रहा है सर, दिख रहा है। आप दिख सब रहा लोग है नहीं, आप सब लोग बात करना बंद कर देंगे तो ही दिखेगा सर। उसके ऊपर पिन करेंगे, नहीं तो डबल क्लिक करेंगे तो बीच में आ जाएगा। अभी दिख रहा है? हाँ सर अब दिख रहा है जी सर। दिख रहा है सर, बिल्कुल साफ दिख रहा है। अभी देखो कि ये आपका कोई बिल्डिंग है, ठीक है, यहाँ पर आपकी सब सीढ़ी आ गई, बीच में आपका पैसेज है, यहाँ पर आपकी लिफ्ट है, 1 नंबर का फ्लैट है, ये 2 नंबर का फ्लैट है, ये 3 नंबर का है और ये 4 नंबर का है, ठीक है। अप्रोक्स आपका नॉर्थ इधर है, साउथ, वेस्ट और ईस्ट, राइट? तो इसका नॉर्थ आपको कैसे देखना है, तो जो बिल्डिंग है वो आपको, जो एप्लीकेशन आपको दिया हुआ है वहां पर आपके बिल्डिंग पे जाना है और वहां से देखना है कि कितना डिग्री नॉर्थ आ रहा है, और वहां से आपको आपके घर का जो भी है उसमें नॉर्थ डाल देना है। सपोज आप 1 नंबर पे रह रहे हो तो आपका नॉर्थ ऐसे, आपका सेंटर आ गया, और जो भी नॉर्थ है आपको ऐसे कर देना है। अगर 2 नंबर पे रह रहे हो तो आपका नॉर्थ इधर आएगा, अगर 3 नंबर पे रह रहे हो तो नॉर्थ इधर आएगा, और 4 नंबर पे रह रहे हो तो नॉर्थ इधर आएगा। ये सेपरेटली आपको सब प्लेट का बता दिया। ओके।
ठीक है, इसमें कोई डाउट आपको? सर सर आईफोन यूजर को तो उसके कंपास से ही चल जाएगा ना काम, उसको तो इस ऐप की जरूरत नहीं है सर। आईफोन में भी कभी कभार क्या होगा कि अगर हैवी मैग्नेटिक फील्ड होगा घर में तो चांसेस होते हैं कि 1-2 डिग्री का चेंज आए, तो मैं रिकमेंड करूंगा कि कंपास से तो आप लो ही लो, पर ये जो एप्लीकेशन दिया हुआ है वहां से भी आप क्रॉस चेक कर सकते हो। ये आईफोन से भी सटीक है क्या? आईफोन से भी सॉरी, ये जो आप यूज किए हो आईफोन से भी सही आ रहा है क्या? मतलब आईफोन से भी बेटर ऑप्शन है ये जो आपने जो दिखाया एप्लीकेशन। हाँ एप्लीकेशन आईफोन से भी बेटर ऑप्शन है। 1-2 डिग्री एपी के में डाल दिया। सर ज्यादा कुछ हाँ 1-2 डिग्री में, मतलब वैसे क्या कहाँ पर फर्क पड़ेगा वो मैं बता दूँ। अगर आपकी डिग्री 2-3 डिग्री का चेंज है एक्चुअल डिग्री, और आपने जो निकाली है वो डिग्री में 2 या 3 डिग्री का चेंज हो रहा है, तो उससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। खाली जो आपका एंट्री कैलकुलेशन है ना उसमें ही फर्क पड़ेगा, बाकी सब में तो क्या बहुत फर्क पड़ने वाला है नहीं, क्योंकि जो हमारा एंट्री है ना वो 11.25 डिग्री का होता है। ठीक है, एक एंट्री हमारा कितना होगा 11.25 का, और एक जोन हमारा कितना होगा 22.5 डिग्री का। तो अगर आप 3 डिग्री का चेंज हो गया आपसे बाय मिस्टेक, तो खाली एंट्री कैलकुलेशन में आपको थोड़ी 80% चांस तो ऐसे ही है कि नहीं आए तकलीफ, पर 30% चांस ऐसे हो रहे हैं कि उसमें आपको दिक्कत आए। तो फिर आपको वो अगर क्रॉस चेक करोगे आप उसके जो एंट्री का जो आपको सिखाया हुआ है कि उसके क्या लक्षण हैं, और घर में जो रह रहा है उसमें वो लक्षण दिख रहे हैं कि नहीं, उससे आपको पता चल जाएगा कि ये एंट्री सही है या नहीं है। अगर एंट्री क्योंकि वो छोटा होता सॉरी है, एंट्री क्योंकि छोटा होता है उसका। हाँ एंट्री छोटा होता है ना, 11.25 डिग्री का ही होता है, तो उसमें आपको इसीलिए एक्यूरेसी करनी चाहिए। ओके सर, और सर कोई एक सवाल डाउट? था सर, हाँ जी वो जैसा आपने फ्लैट का बताया था, तो अभी वो हम समझिए वो बंगलो है, तो उसका सेंटर तो वो लिफ्ट वाला ही आएगा जैसे आपने समझाया था अभी, फ्लैट हाँ नंबर 1, 2, 3, 4, तो उसका सेंटर तो दूसरा आएगा ना जो आपने इमेज लगाएंगे। तो नहीं समझा, नहीं फिर से बताओ। सर जैसे फ्लैट का आपने 1, 2, 3, 4 बताया था, हाँ सपोज सर वो पूरा बंगला है चारों मिला हाँ के, तो हाँ हाँ उसका सेंटर तो अलग हो जाएगा ना सर? सेंटर अलग हो जाएगा। तो इसमें क्या करना है, ये आपका पूरा बंगलो हो गया तो ओके ऐसे सर। आपका क्रॉस आएगा और बीच में सेंटर आ गया आपका, ऐसे कैलकुलेट करना हाँ और सर सीढ़ी भी काउंट काउंट करना पड़ेगा ना? जी है। हाँ, सब काउंट होगा, वो तो घर का ही पार्ट है ना सीढ़ियाँ। जी जी सर। ओके सर, ओके फ्लैट सर। में रह रहे हो तो पैसे सीढ़ी और लिफ्ट आपको निकाल देना है, अगर आपका बंगलो है तो सब काउंट होगा। ओके ठीक है, और कोई क्वेश्चन है इसमें? सर एक छोटा था कि ओपन स्पेस भी काउंट होगा, जो साइड में अपन मार्जिन छोड़ने हैं वो भी काउंट करना पड़ेगा? किस किस के किस में मार्जिन, किसकी बात कर रहे हो, बंगलो की? बंगलो की सर। बंगलो में क्या होता है, जनरली बंगलो में आप जब ड्राइंग करोगे और जब नक्शा बनाओगे तो दो तरीके के नक्शे बनते हैं। एक तो आपका जो प्लॉट एरिया होता है वो उसका नक्शा अलग बनेगा, और एक आपका जो कंस्ट्रक्शन होता है उसका नक्शा अलग बनेगा। जैसे मैं अभी समझा दूं आपको, अगर सपोज एक ड्राइंग बना रहा हूं मैं, ये पूरा एक बंगलो का प्लॉट है, ठीक है, इसमें यहाँ पर आपने घर बनाया हुआ है, यहाँ से आपने एंट्री बनाई है, ये सीढ़ी हो गई, यहाँ पर किचन है, यहाँ पर बेडरूम है, यहाँ पर ड्राइंग रूम है, वो सब आपने यहाँ पर बना दिया है प्लॉट में, मतलब बंगलो में आने के लिए ये हमारा मेन एंट्री है। ठीक है, यहाँ पर आपने पार्किंग बनाए हुए है, यहाँ पर आपने गार्डन बना दिया है, अरे यहाँ पर कोई स्विमिंग पूल बना है, ये पूरा एक बंगलो का प्लानिंग हो गया।
तो इस ऑप्शन में आपको क्या करना पड़ेगा कि दो तरीके से सेंटर निकलना पड़ेगा और दो अलग अलग प्लान में चक्र बिठाना पड़ेगा। एक तो आपका पूरा प्लॉट का ऐसे बनेगा, ये सेंटर आ गया, और एक खाली आपके जो कंस्ट्रक्ट किया है जो फ्लोर उसका ऐसे, समझ ओके गए? सर, यस सर। अभी आपको क्या, आप जो प्लॉट है ना उसमें आपको क्या क्या देखना है, तो आपको मेन एंट्री कहाँ पर है वो देखना है, फिर पार्किंग कहाँ पर है वो देखना है, स्विमिंग पूल कहाँ रखा है वो देखना है, फिर आपने ये पूरी बिल्डिंग कौन सी दिशा में लगा दी है, मतलब ये तो हैवी पार्ट हो गया ना आपका, जी सर, तो वो भी आपको देखना पड़ेगा कि मैंने हैवी पार्ट कहाँ पर रख दिया है। फिर आपका गार्डन, मतलब ये लाइट पार्ट हो गया, तो कहाँ पर रखा हुआ है। फिर अगर सपोज कि अंडरग्राउंड वाटर टैंक यहाँ पर बना दिए, ये वाटर टैंक है तो वो कहाँ पर बन रही है, तो वो सारी चीजें आपको प्लॉट एरिया के प्लानिंग में देखनी पड़ेगी। और अंदर की जो बेडरूम, किचन, ड्राइंग रूम और सीढ़िया और इसकी एंट्री, वो सब आपको अंदर के कंस्ट्रक्शन प्लान में देखनी पड़ेगी, तभी जाके आप सही वास्तु कर सकते हो। ठीक है सर, दो प्लान करने पड़ेंगे। हाँ, और सपोज कि इसके ऊपर भी एक और फ्लोर है तो उसका भी इंडिविजुअल चक्र बिठा के देखना पड़ेगा। ओके भाविन सर, सर, हाँ जी, भाविन सर, कोई एक ऐसी एप्लीकेशन होती है क्या कि आप जाओ ब्रह्म स्थान में रहो आपका, और सब चीज पता चल जाएगी कौन सा डायरेक्शन कहाँ है, नहीं क्या नहीं इतना होता, डेवलप हुआ है वास्तव में कि नहीं ऐसी कोई नहीं हुआ एप्लीकेशन है, नहीं हुआ है। ओके, वी हैव टू डू मैनुअल ना। वो अगर ऐसा हो जाए तो मिरेकल होगा वास्तव में। नो सर, बट फिर बट हमें सपोर्ट करता है ये, हमें एस्ट्रो, ये क्या कहते हैं, व्हाट कैड समथिंग, ये हमें एप्लीकेशंस कुछ कुछ हमें हेल्प करती हैं। हाँ, इसमें क्या होता है, पहले मैं एक बात समझा, देखो पहले ना ये एप्लीकेशन वगैरह कुछ था नहीं, ठीक है, तो सब वगैरह ये हाथ से ही ऐसे नक्शे बनाते थे। अगर आपके पास कोई 20 साल पुराना मकान होगा ना तो उससे पूछना कि तुम्हारे पास ऑटोकैड है, तो नहीं वो मना बोलेगा, तो वो उसको बोलना कि आपने अगर म्यूनिसपालिटी में से प्लान पास करवाया होगा तो उसकी कोई कॉपी है, तो अगर उसके पास पड़ी होगी 20 साल पुराने तो वो एक बार आप देख लेना, तो वो ना पूरा हैंड से बनाया हुआ प्लान होता है जो म्यूनिसिपल अरे में बाबा, सबमिट किए हुए थे, वो सब पूरे हैंड से बनाते थे, वो मैं तो बात कर रहा हूँ 20 साल पुरानी। अभी सब ऑटोकैड पे आ गया है तो सब ऑटोकैड से काम चलता है, और ऑटोकैड में क्या होता है कि मस्ट ना, मस्ट है वो हम एमएम तक बेसिक जाके उसका एक्यूरेसी चेक कर सकते हैं। है। एमएम जो मतलब ऑटोकैड, ऑटोकैड में जो करेंगे तो सिविल ड्राफ्ट आएगा और ये सब नाप के लेके जाएगा क्या? हाँ जी, सी मैं एक बात समझा दूँ, सिविल ड्राफ्टमैन का काम क्या होता है। सिविल ड्राफ्टमैन को आप हायर करते हो तो उसको आपको बोलना पड़ेगा कि मेरे को जगह का 2D ऑटोकैड ड्राइंग चाहिए विद फर्नीचर लेआउट, ठीक है, तो वो क्या करेगा, आपके जगह पे आएगा, पूरा नाप लेगा कि मतलब ड्राइंग रूम है तो ड्राइंग रूम की लंबाई कितनी है, चौड़ाई कितनी है, ठीक है, फिर इसमें विंडो कितनी लगी हुई है, उसमें एंट्रिया कितनी है, एंट्री है तो उसका नाप कितना है, अगर विंडो है तो विंडो का नाप कितना है, फिर आपका जो सोफा है वो कहाँ पर पड़ा है, कैसे पड़ा है, कौन से शेप का है, सेंटर टेबल है वो राउंड है या स्क्वायर है, फिर टीवी है, टीवी यूनिट कहाँ पर लगा हुआ है, वो सब ड्राइंग रूम में वो अपने हिसाब से अपने बुक में लिखेगा। अच्छा, फिर आगे जाएगा, किचन लेगा, टॉयलेट लेगा, उसमें भी सब चीजें इंटीरियर दिखाएगा, मतलब टॉयलेट शीट कहाँ पर पड़ी है, आपका वॉश बेसिन कहाँ पर पड़ा है, अगर किचन है तो आपका गैस कहाँ पर पड़ा है, फ्रिज कहाँ पर पड़ा है, ओवन कहाँ पर पड़ा है, वॉश बेसिन कहाँ पर पड़ा है, वो सब मतलब देखेगा और नोट डाउन करेगा, और उसकी लंबाई चौड़ाई भी लेगा, और उसमें भी कोई दरवाजा होगा बाहर जाने के लिए या तो वॉश यार्ड में जाने के लिए, तो वो भी सब कैलकुलेट करेगा और मेंशन करेगा। फिर वो ऑटोकैड में जितना उसका नाप निकला है उसके हिसाब से पूरा ड्राइंग बनाएगा, वो ड्राइंग खत्म करके उसका इंटीरियर भी वो बनाएगा,
और वहां पर गए, वहां पर जब वो निकल रहा होगा ना, तो वो नॉर्थ डिग्री भी मेंशन करेगा, तो वो भी आपके जो ऑटोकैड बना हुआ है उसमें वो मेंशन करके आपको दे देगा। तो सर मतलब हम डिपेंड रहेंगे सिविल ड्राफ्टमैन पे एग्जैक्टली हाँ, वो रहना ही पड़ेगा, या तो आपको ऑटोकैड सीखना पड़ेगा या तो आपको सिविल ड्राफ्टमैन पे डिपेंड रहना पड़ेगा। सर। ऑटोकैड हमें आता है, जैसे हमें ऑटोकैड आता है, पर जो जो जैसे लेंथ लेंगे अपन घर की जाके, तो हमको जाके लेना ही पड़ेगा ना नाप। हाँ, वो तो लेना ही पड़ेगा ना। उससे बेटर है कि हम सिविल वाले से करवाएं वो चीज। सर ये हम प्रोजेक्ट सर पे कितने देर होते हैं? सर आज की क्लास कितनी बस देर और चलेगी मेरी? कोई मतलब मुझे एक और उसमें जाना था, तो आज का अभी हो गया आपके सेशन? सब डाउट को सॉल्व कर रहा हूँ, सर सर बाकी एक कुछ तो बात है और नहीं। पूछनी थी सर। सर सर अगर जैसे हमारी फ्लैट बात में, सर फ्लैट में जैसे फ्लैट पूरा बन गया है और हाँ बाहर जी में वो निकाल के बालकनी और उसमें वो हाँ लोग वो कर दिए हैं करना कवर करके ताकि धूल मिट्टी ना आए, तो उसको क्या ऐड करना है सर उसमें? है, ऐड करना है। पूरा पूरा ऐड करके ब्रह्म स्थान निकालना है सर। हाँ जी, ऊपर छत तो लगाई हुई है ना, हाँ सर छत लगाई हुई है। बस और तो इस ऐड और करना एक और पड़ेगा। सर, जैसे बाहर में आजकल ये ब्लॉक वाली खिड़कियां बना देते हैं कि बाहर में उसका सर, मतलब समझा नहीं। जैसे सर अंदर स्पेस देने के लिए बाहर में निकाल देते हैं खिड़की को, हाँ तो वो वाली खिड़की का कैसे ऐड करेंगे सर? कि उसका नहीं करेंगे, खाली जहां तक वो अंदर खिड़कियां लगी हैं बंद करने वाली वो लेना है बस। वो मेरे मेरे को पर्सनली आप फोटो शेयर कर देना, मैं समझा नहीं कैसे आप सर ये खिड़की बोल बात रहे कर रहे कि हो। एक जो विंडो होता है वो दीवार पे होता है, दीवार के अंदर, और होता है कि बाहर मतलब थोड़ा वो निकला छज्जा हुआ। लगा हुआ है, हाँ जो बॉक्स टाइप ग्रिल लगाते हैं छज्जा पूरा ना। कवर कर दिया है सर। बाहर वो जो हाँ विंडो होता है उसके बाहर वो पानी नहीं बाहर को आए निकाल उसके दिया है, मान लो लिए कुछ अवस्था है ना। रख धूप वगैरह में कुछ रखना हो इसलिए लोग बाहर निकाल लिए अच्छा, हैं जैसे। तो वो हाँ जाली बना के? सर वो पूछ रहे हैं नहीं, वो उसको कैलकुलेट नहीं उसको करना सर ऐड करना है क्या? है। ठीक है सर वो जाली बनाई हुई है पर अमेंडमेंट। ऊपर अगर कवर होगा तो कैलकुलेट करना है, नहीं सर छज्जा अगर तो ऊपर है कवर सर नहीं लेकिन होगा और सब खुला है। ठीक नहीं तो नहीं करना है। है सर ठीक है ठीक सर सर। जैसे ब्रह्म स्थान निकालना है तो हम लोग जैसे टाइल्स है 2-2 फुट का है तो लंबाई चौड़ाई कर लिए, उससे नहीं होगा सर? हाँ हो जाएगा ना, क्यों नहीं होगा। जैसे सर मान लो 20 टाइल्स है जो लंबाई में तो 10 पे आ गए, और हाँ, सर ऐसे ही मतलब उधर मान लो कि 12 है तो 6 पे आ गए, वहां हाँ, सेंटर पर खड़े होकर नॉर्थ ले सकते हैं सर। वही हो गए ना, वो एक्चुअली वही है, वही निकालना पड़ेगा, ठीक क्योंकि है सर इनिशियल में तो आपको पता ही नहीं चलेगा ना कि सेंटर किधर आ रहा है, तो आपको लंबाई चौड़ाई का आधा आधा करके वहां पर खड़े होके सेंटर निकाल हाँ लेना है। सर ठीक है सर ठीक है थैंक यू सर। सर हाँ जी, अगर ये जो श्रेयान जोशी सर है, अगर मान लीजिए कोई प्रोजेक्ट आता है और अगर हमें उनकी हेल्प चाहिए रहती है तो क्या वो हेल्प ऑफर करते हैं? मतलब उनकी को जो भी फीस होगी वो चार्ज करें, और क्या वो ऐसा हेल्प ऑफर करते हैं ऑटोक्रेट का अगर हम कोई प्रोजेक्ट उनके पास लेकर आए तो? आपको ऑटोकैड बनवाना है कि पूरा वास्तु कंसल्टिंग करवाना है? नहीं ऑटोक्रेट ही करवाना हो तो, और तो वो क्या अगर प्रोजेक्ट ले ऑटोकैड सकते आपको अहमदाबाद में करना है तो मेरा या तो आशीष भाई से बोल देना, तो हमारे ओके ऑफिस में जो सिविल ड्राफ्टमैन होते हैं उसको हम बोल देंगे, तो वो भी कुछ वर्कआउट करके उसका कर देंगे। पर ये अहमदाबाद के लिए है, अगर आपको बाहर करना है तो आपको ढूंढना ही पड़ेगा। और मैं ट्राई कर रहा हूँ आशीष भाई से बात करके कि यूनिवर्सल मतलब इंडिया में कई सारे ऐसे ड्राफ्टर है जो इसका काम कर रहे हैं, तो उसके साथ हम टाई अप कर सके तो सबके लिए इजी हो जा सकता है। वो हो है ना सर, हो लोकेशन में जाके आपका ऑटोकैड बना सकते हैं। सर फिलहाल के लिए अभी कहाँ से मिलेगा? जस्टेल से मिल जाएगा? नहीं, आपको गूगल करना पड़ेगा या तो आप सर फेसबुक ऑनलाइन में भी हेल्प, ढूंढ सकते हो। हमको ऑनलाइन क्या, हेल्प नहीं होगा ना? सॉरी, ऑनलाइन ऑटोक्रेट हेल्प नहीं होगा ना प्रोजेक्ट ऑनलाइन वाइज? ऑटोकैड कैसे पॉसिबल है मेरे को, वो आप समझाओ।
वो आके सब नाप के लेंगे ना। नाप कैसे मिलू? आप मेरे को वीडियो कॉल पे बताओगे कि मेरा वो नहीं, कपड़ा हम कहाँ? आपको मैप, हम आपको मैप भेज देंगे, और फिर हम अगर ऑनलाइन ही कंसल्ट करेंगे तो मैप हम हाँ आपको भेज वो हो सकता है, पर आपका देंगे। मैप एक्यूरेसी होना चाहिए, वो हाँ, यस यस यस, करेक्ट। हो सकता है। उसके लिए आशीष भाई को बोल देना तो हमारे यहाँ पर बना देंगे, थैंक यू। पर उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि एक्यूरेसी के साथ आपको हर चीज का नाप देना पड़ेगा, तो ही आपका ऑटोकैड बन पाएगा। हाँ पूरा रेफ्रिजरेटर और बाकी ओके, चीजें का भी सब कुछ। जैसे मैंने अभी यहाँ पर हमने ड्राइंग किया हुआ है वैसा ड्राइंग आपको भेजना पड़ेगा, हर एक चीज का नाप लिख के। सर वो तो जो कोई जो बिल्डिंग्स होती हैं या जो घर होते हैं, तो वो तो आर्किटेक्चर तो करते ही है। दैट कैन हाँ आल्सो बी करते ना, हेल्प, दैट कैन अगर आल्सो बी। तीन चार साल पुरानी बिल्डिंग होगी ना, तो जिन्होंने बिल्डिंग बनाई होगी ना उसके पास तो ऑटोकैड पड़ा ही होगा। और अभी तो क्या करते हैं कि तीन चार अहमदाबाद और बॉम्बे का तो मेरे को मालूम है कि जो भी फ्लैट ओनर होता है वो फ्लैट परचेस करता है तो उसके साथ वो एक सीडी देता है ऑटोकैड की, तो वो सीडी में पूरा ऑटोकैड का प्लान होता है। यस, वो देते हैं, करेक्ट, वो देते पर वो 2-3 साल पुराने की बात कर रहा हूँ, उससे पुराना होगा तो नहीं मिलेगा। ठीक हैं। ओके, थैंक यू है, और कोई डाउट? सर। इसमें बालकनी भी इंक्लूड करनी पड़ेगी पूरे फ्लैट में? हाँ, बालकनी भी इंक्लूड ही करना है। ओके सर, आप वो ऑटोकैड के उसमें मैप कैसे ओके लाते हैं वो दिखाने वाले थे। सर, ऑटो कैड के बजाय फ्लैट का मैप तो रहता है ना सर, वो काम नहीं आएगा। सर ये एक फ्लैट का मैप भेजा मैंने, देख लो, देखना जरा एक बार, ठीक है क्या ये? वो फ्लैट मैप जो आपने ब्रोशर में लिया होता है ना? नहीं नहीं वो नहीं है वन सर, ये वो नहीं एग्जैक्ट है सर, एक बार देखो ना जरा। टू एंड टू एंड वन इक्वल्स सर थ्री। ब्रोचर में लेना वाला नहीं चलेगा ना, जो ब्रोचर से नहीं, लेते हैं। ब्रोशर वाला भी नहीं चलेगा। सर ये ब्रोशर वाला नहीं है, ये एग्जैक्ट है, एक बार जरा देखो ना जरा, ग्रुप में भेजे। या फोर डिवाइन क्रिस्टल? हाँ हाँ जी जी सर, जी 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 ये ऑटो अकेडमी बनाया हुआ है। हाँ जी हाँ जी, एकेडमी बना हुआ सर, हाँ, ये चलेगा ना, ये सही है। ये इसमें सेंटर से सर अगर मैं वो लेता हूँ तो 198 साउथ आती है। तो आपका नॉर्थ डायरेक्शन सही नहीं है, 190। 198 साउथ। तो आप घूम जाओ ना, नॉर्थ की तरफ घूम जाओ, फिर डिग्री निकाल लो। हाँ जी, बाकी जो ऑटो कैड के रिगार्डिंग पर्सनल डाउट है ना, वो मेरे को व्हाट्सएप कर देना, तो वो मैं सॉल्व करवा दूंगा। सर, ठीक है सर सर। अभी आप दिखाने वाले थे कि मैप को ऑटो कैड में कैसे लाते हैं, इंपोर्ट करते हैं, आप दिखाने वाले थे। नहीं, मैप को इंपोर्ट नहीं कर सर सकते ना, मैप को तो बनाना पड़ेगा। आपको नहीं, एक नहीं, 5 मिनट उसका का वो मेरे गूगल पास, मैप्स साढ़े का वो स्क्रीनशॉट पांच लेके आप मिनट इंपोर्ट करने को में। सिखाने वाले थे ना। अच्छा गूगल के बारे में ना? हाँ हाँ वो मैं दिखा दे। सर एक चीज, इसको आप लेके, ये जो कोई भाई ने भेजे इसको, एक तो मिनट एक इसको मिनट लेके आप एक मिनट एक मिनट कम हाँ जी बताइए। सर, मैं बोल रहा हूँ कि ये जो कोई भेजा है ना ऑटोकैड एक वाला, मिनट मेरा। हाँ जी, आप बताइए। ऑटोकैड वाला जो भेजे है ना, तो इसके ऊपर आप कंपास रख के फिर सब डिग्री मतलब बनाओगे ना, लाइन खींचोगे नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट ये सारे। वो जो चक्र होता है ना, वो ऑटोकैड में ऑलरेडी बनाया हुआ है, तो बार बार बनाने की इसमें जरूरत नहीं पड़ती। नहीं, इसके ऊपर रख के फिर बनाना है ना, तो कैसे पता चलेगा कौन सा कोना में क्या आ रहा है? वो तो सेंटर निकालना पड़ेगा ना उसमें। तो हाँ एक काम करना, मेरे को पर्सनल में मैसेज कर देना ऑटोकैड के रिगार्डिंग। अभी मैं सिखा रहा हूँ,
कि जिसे को ऑटो कैड आता है और उसमें ऑटो कैड में नॉर्थ चेक करना है तो कैसे कर सकते हैं, वो मैं अभी आपको सिखा रहा हूँ, ठीक है। सर वो एक मशीन रहता है ना जो पॉजिटिव एनर्जी चेक करते हैं, हाँ तो वो वो कहाँ से बाय करना अच्छा रहेगा? बाय करने से पहले उसके क्लास आपको करने पड़ेंगे, और ओके, जो जहां पर आप क्लास करोगे वहां से ही आपको मिल जाएगा। तो सर एक अपने बार पास चक्कर बिठा होगा, सर एक बार अपने चक्कर पास होगा बिठा के मैंने भेजा, जरा चेक करना, एक बार चक्कर बिठा के भेजा मैंने, देखा जरा। वो आप मेरे को हाँ सर। पर्सनल डालो, अभी आप क्लास मत डिस्टर्ब करो प्लीज। हाँ जी सर बोलिए। अपने यहाँ से होता है बैठा के भेजा मैंने, देखा। नहीं हम नहीं रखते वो, तो कहाँ से मिलेगा? और श्रेयन श्रेयन जी से बात करके फिर डाल दूंगा ग्रुप में, या तो मेरे को पर्सनल मैसेज कर देना तो मैं बता ओके दूंगा कहाँ से मिलेगा। ठीक है सर। सर अगर कैंपस खरीदना हो तो वो कहाँ से खरीदें? वो ऑनलाइन दिया हुआ है ना लिंक आपको, अभी देखो ये आपको स्क्रीन दिख रहा है, आपने गूगल में जाके मालूम किया कि ये मेरा बिल्डिंग है, ठीक है। ये ऑटोकैड के लिए मैं सिखा रहा हूँ कैसे डिग्री लेना है। सपोज कि ये मेरा बिल्डिंग है तो इसका मेरे को स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट लेके एक जगह पर अभी उसको स्टोर कर लेना है। ये भी ऑटोकैड ओपन कर लेना है, ये आपका ऑटोकैड आ गया। यहाँ पर आपको वो जो स्क्रीन है ओके वो अटैच कर देना है। ओके चल नहीं रहा है, आ गया स्क्रीनशॉट आपका। फिर आपको क्या करना है, आपको एक लाइन खींचनी है ये बिल्डिंग के बरोबर दीवार से खींच के, सीधा लाइन देखो सीधा दिख रहा है आपको, ये लाइन और बिल्डिंग की लाइन मैच कर रही है। अब एक और 90 डिग्री पे यहां से कनेक्ट करके लाइन बनाना है ऐसे, और फिर यहां पर ऑप्शन आता है जो आर्क का एंगल का, उससे आपको दोनों लाइन पे क्लिक करना है, एक और दो, मिल गया 3 डिग्री आपको। ऐसे आपको ऑटोकैड में डिग्री निकालना है, आ गया समझ। सर एक बार रिपीट कीजिए फिर से। जी आपको ऑटोकैड आता है, सर थोड़ा थोड़ा। तो जो आपने स्क्रीनशॉट लिया था उसको आपको ऑटोकैड में इंपोर्ट कर लेना है, ठीक है। फिर इंपोर्ट करने के बाद आपको दो लाइन खींचना है, एक स्ट्रेट लाइन खींचना है और एक बिल्डिंग का जो लाइन है
उसके पैरेलल एक लाइन खींचना है। तो ये देखो, ये मैंने बिल्डिंग का पैरेलल लाइन खींचा और एक स्ट्रेट लाइन खींचा ये पॉइंट से कनेक्ट करके, फिर इसका एंगल चेक करना है। ये एंगल दबाया, दोनों लाइन पे क्लिक किया तो मेरे को दिख गया 3 डिग्री। तो इस तरीके से अच्छा ऑटोकैड में डिग्री चेक करते हैं, ठीक है? ठीक ओके थैंक यू सर। है, आज की क्लास यही खत्म करते हैं, कल फिर वापस मिलेंगे, ठीक है? ओके थैंक चलो ओके। यू। ठीक है थैंक यू थैंक यू सो मच। थैंक यू सर।